हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं जो हमारी विजन की सीरीज चल रही है, जिसमें टेस्ट पेपर का सोल्यूशन आप लोगों के लिए दिया जाता है। ये आपको पहले सिर्फ संडे को सुबह 10 बजे मिलती थी, लेकिन अब एक दिन और मिला करेगी। अब वीक में 2 दिन आपकी ये टेस्ट सीरीज सॉल्व कराई जाएगी। तो पहले आपको रविवार को दिया जाता था, लेकिन अब रविवार के साथ में आपको बुधवार को भी ये टेस्ट सीरीज दी जाएगी सुबह 10 बजे, अगर आप लोग आया करेंगे। ओके, और ये टेस्ट सीरीज है, इसका हम पार्ट नंबर 1 है वो देख चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जाकर के देख सकते हैं। इसमें हम लोग टेस्ट पेपर 1 का हम लोग यहाँ पर आगे के जो हमारे क्वेश्चन बच गए थे 50 से 100 तक, उन्हें आप सॉल्व करेंगे और आपको बताएंगे कि कम पढ़ के भी आप कैसे ज्यादा आउटपुट दे सकते हैं, या फिर कैसे हम स्मार्ट तरीके से किसी भी क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से विस्तार में समझाई जाएंगी। ओके, इसके अलावा अगर आप लोग ये टेस्ट सीरीज डाउनलोड करना चाहते हैं हिंदी या इंग्लिश दोनों में, तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। आपको ये जो सीरीज है ये मिल जाएगी, यहाँ पर आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं, विजन आईएएस टेस्ट सीरीज 2022 इन हिंदी। इसी में ये वाली वीडियो पड़ी हुई है, सेम थंबनेल लगा हुआ होगा कि एक क्लिक में डाउनलोड करें विजन टेस्ट सीरीज 2022 हिंदी और इंग्लिश में। यहाँ पर ही लिंक दिया रखा है, जाकर के डाउनलोड कर लीजिए। और एक महत्वपूर्ण सूचना है, इसमें आगे की भी टेस्ट पेपर अपलोड कर दिए गए हैं, 18 के बाद के जो आए हैं अभी लेटेस्ट, वो भी अपडेट कर दिए गए हैं। और साथ में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो सी सेट है, ओके, तो सी सेट के भी यहाँ पर टेस्ट पेपर अपलोड कर दिए गए हैं। लगभग में 10 टेस्ट पेपर हैं जो आगे हैं विजन के, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अपलोड कर दिए गए हैं। तो आप लोग सी सेट के भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं इसी सेम वीडियो से। ओके, इसी सेम वीडियो में वो लिंक दिया रखा है, सी सेट का अलग से हमने दे दिया, जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं आराम से, कोई भी समस्या नहीं आएगी। अगर कोई भी समस्या आए तो एक बार कमेंट कर दीजिए, जाकर के हम आपको डायरेक्ट लिंक शेयर कर देंगे। वैसे आप लोग एक बार चेक जरूर कर लीजिए। देखिए, आप हर कोई हमसे डायरेक्ट लिंक मांगेगा तो बर्डन हमारे पास बहुत ज्यादा हो जाता है कि हम लोग क्लासेस में आपको प्रोवाइड करें लिंक में। थोड़ा सा मेहनत कर लिया करिए, जाकर के एकदम स्टार्टिंग में ही और कमेंट बॉक्स दोनों जगह लिंक दे दिया गया है इस वीडियो में, जाकर के आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो को लाइक जरूर किया करें। देखिए, हिंदी मीडियम का एकमात्र हमारा चैनल है जो 1 क्लिक में सब कुछ आपको प्रोवाइड कराता है। तो हिंदी मीडियम वाले अगर हमें सपोर्ट नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? अगर आप लोग लाइक नहीं करेंगे तो हमारा मोटिवेशन नहीं बनेगा, और फिर हम हल्के हल्के हम भी ये जो इतना स्टडी मटेरियल है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कराते हैं, हम भी नहीं दिया करेंगे। देखिए, इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनमें यूनिटी बहुत है, लेकिन हिंदी मीडियम वालों में यूनिटी नहीं है। वो आएंगे यहाँ से स्टडी मटेरियल भी डाउनलोड कर देंगे, जो भी हेल्प लिए वो भी ले लेंगे, लेकिन लाइक नहीं करेंगे। लाइक करने से क्या होता है, हमको समझ में आता है कि हाँ, आप लोगों के लिए कंटेंट अच्छा लग रहा है और आपको भविष्य में इसी तरह से सब कुछ प्रोवाइड कराते रहेंगे। और जिन लोगों ने अभी तक ये वाली वीडियो नहीं देखी है कि आपको पीटी देने से पहले 4 बातें याद रखनी चाहिए, जाकर के देख लीजिए, क्योंकि इसमें हम क्वेश्चन की प्रकृति के बारे में बताए हैं। ये आपके आगे के 1.5 से 2 साल है वो आपके सेफ कर देगा अगर आपने ये वीडियो देख ली, क्योंकि आपको क्वेश्चन का ट्रेंड समझ जाएंगे, उसकी प्रकृति के बारे में समझ जाएंगे, क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, और हमें अपनी पढ़ाई अपनी स्टडी करने प्रिपरेशन करने के क्रम में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये वाली वीडियो भी सेम प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगी। ओके, इसके अलावा विजन 365 जो आप लोगों के लिए देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था उसका भी कंफ्यूजन दूर कर दिया है, आप लोग वो भी सीरीज इसी में जाकर के देख सकते हैं, बहुत सारी इसमें वीडियो अपलोड कर दी गई। इसके अलावा मैपिंग सीरीज है, ये भी हमारी चल रही है, जाकर के देखिए, ये यूपीएससी और साथ में पीसीएस के जो एस्पिरेंट है उनके लिए ये सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैपिंग सीरीज। अगर आप लोग इसको देखेंगे तो बेसिक से एडवांस तक किस तरह से हमें मैपिंग पढ़ना होता है और हम कैसे अपने सिलेबस को उसके बर्डन को कम कर सकते हैं और स्मार्ट तरीके से उसको प्रिपेयर कर सकते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर आपको सिखाई जाती है। ये डेली आप लोगों के लिए शाम 3 बजे मैपिंग सीरीज आप लोगों के लिए मिलती है, जाकर के देखिए, आपको बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा। मैपिंग एटलस आपके दिमाग में घूमने लगेगा, इस तरह से इस क्रम में इस तरह से आपको अप्रोच के साथ में पढ़ाया जाता है। और आप लोगों की डिमांड पर आप लोग बोले थे सर विजन के अलावा भी हमको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करा दीजिए, तो विजन के अलावा भी यहाँ पर जो फोरम आईएएस है उसकी आप लोग टेस्ट सीरीज डाउनलोड कर सकते हैं। ये भी हिंदी और इंग्लिश में, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में है, ये भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, इसके लिए वीडियो है वो कल आप लोगों के लिए मिल जाएगी हमारे यूट्यूब चैनल पे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन दबा लें। तो ये पूरी फोरम आईएएस की जितनी भी टेस्ट सीरीज 2022 की है वो आपको फिर से उपलब्ध करा दी जाएंगी। और इसके अलावा और भी कोचिंग की अगर आप लोग डिमांड करेंगे तो और भी कोचिंग की आपको टेस्ट सीरीज 1 क्लिक में प्रोवाइड करा दी जाएंगी। ओके, चलिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। ओके, 1 मिनट आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। अगर आप लोग यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपके लिए एक बेस्ट प्लेटफॉर्म क्लब आईएएस आपके लिए हो सकता है। यहाँ पर हमने एक नया बैच है वो लॉन्च कर दिया है, अपना सेकंड फाउंडेशन बैच के बाद में अचीवर बैच भी हमारा लॉन्च हो गया है। इसमें आप लोग एडमिशन ले सकते हैं, इसकी जो फीस है बहुत ही कम रखी गई है अभी,
₹99 पर मंथ आप लोग आकर के इसमें एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन लेने के लिए आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना होगा, यहाँ पर हमारी ऐप मिल जाएगी क्लब आईएसएस फ्रेंड, जाकर के इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आप लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर उसके बाद आपको एक यहाँ पर होम का ऑप्शन दिखेगा, बैचेस का ऑप्शन दिखेगा, फिर स्टोर का ऑप्शन दिखेगा। इस स्टोर वाले पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग स्टोर वाले पे क्लिक करेंगे तो आपको सारे जो हमारे बैचेस हैं रिसेंटली चल रहे हैं आपको दिख जाएंगे। तो इसमें देखिए एक आपको देखने को मिलेगा सेकंड फाउंडेशन बैच, ये हमारा ओल्ड बैच है, इसमें आप लोगों के लिए एडमिशन नहीं लेना है। अभी नया बैच है जो अचीवर बैच है, ये स्टार्ट हुआ है, आप लोग इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसकी जो फीस है वो ₹2376 देखने को मिलेगी, लेकिन अगर आप लोग RG Sir 9 कोड का उपयोग करेंगे तो इसकी जो फीस है वो 60% ऑफ हो जाएगी, मतलब इंस्टेंट आपको लगभग में ₹1350 ऑफ हो जाएंगे, और सिर्फ सिर्फ इसकी फीस हो जाएगी वो ₹999 हो जाएगी, फुल पेमेंट है। ओके, अगर आप लोग ये पे एक बार में पे नहीं कर पाते हैं, बहुत समस्या है, तो एक नया ऑप्शन भी इसमें दे दिया गया है, आप लोग ₹99 पर मंथ आप लोग इसमें पे कर करके भी आप लोग एडमिशन ले सकते हैं और आराम से अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। तो देखिए सभी लोगों का हम यहाँ पर ध्यान रखते हैं, खासकर जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है उनका भी हम लोगों ने विशेष ध्यान रखा है। तो ये कोड का आप लोग उपयोग करेंगे अगर वन टाइम पेमेंट करते वक्त RG Sir 9 का, तो आपको एक्स्ट्रा 60% का डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर इस प्रोग्राम के अंतर्गत आपको शाम को लाइव क्लासेस मिलती है, 7 बजे से 9 बजे तक हमारी ऐप के ऊपर ही चलती हैं। यहाँ पर लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, असाइनमेंट सब कुछ A to Z आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराया जाता है। ओके, और इस प्रोग्राम में कितनी क्लासेस हैं, कितने घंटे की, कौन से सब्जेक्ट पे चलेंगे, इसकी बहुत ही विस्तृत जानकारी दी गई है। अधिक जानकारी के लिए आप लोग हमसे व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप लोग यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो वहां पर अचीवर बेस का आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, यहाँ पर सब विस्तार में इसके बारे में बताया गया, और साथ में आप लोग डेमो वीडियो भी यहाँ पर आकर के देख सकते हैं। अचीवर बैच की जो डेमो वीडियो है वो भी आप लोग यहाँ पर आकर के देख सकते हैं, फिर डेमो वीडियो देखने के बाद आप लोग संतुष्ट हो जाएं, फिर आप लोग आकर के एडमिशन ले सकते हैं। ये हमारा चैनल है क्लब आईएएस फ्रेंड, आप लोग जाकर के यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पर देखिए आप लोग प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे आएंगे तो आपको देखिए यहाँ पर बहुत सारी प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएंगी, इस सारी की सारी बहुत महत्वपूर्ण है। एक यहाँ पर मैपिंग की, और एक यहाँ पर आपको विजन की देखने को मिलेगी, एक अचीवर बैच की देखने को मिलेगी, इसी तरह से करंट अफेयर जो यहाँ पर विजन का एक साल का करंट अफेयर है वो शिवम सर के द्वारा कवर कराया जा रहा है, इसी तरह से तिरसा मैम के द्वारा यहाँ पर डेली दोपहर 12 बजे प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, कि जितने भी क्वेश्चन हैं जो पूछे गए हैं यूपीएससी स्टेट पीसीएस में, वो सभी सॉल्व कराए जाते हैं, तो आप लोग इनको भी आकर के ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को और ज्यादा इंप्रूव इनहांस कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, अपना टेस्ट पेपर 1 है, इसके आगे के जो क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन आगे के हैं उनको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने यहाँ पर। ओके, तो देखिए आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, 1 से लेकर के 50 तक हम लोग कवर कर चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 51 से। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों के लिए ध्यान रखना है किस तरह से हम कम पढ़ के भी ज्यादा आउटपुट दे सकते हैं, और हमें अपना बेसिक अप्रोच क्लियर करके रखना होता है, क्वेश्चन तो आराम से हलवा की तरह हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन 1 दिया रखा है कि आपको देखने को मिलेगा, वैसे एक क्वेश्चन नंबर 51 है, लेकिन हमारे लिए आज का जो हमारा लेक्चर चल रहा है उसके लिए क्वेश्चन नंबर 1 देखने को मिलेगा। ओके, तो देखिए ये बोलता है समान नागरिक संहिता के बारे में, बोलता है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। समान नागरिक संहिता का मतलब होता है कि भारत के जितने भी नागरिक हैं सभी के लिए एक समान नियम होना चाहिए। ओके, तो किसी भी प्रकार का, चाहे वो आपराधिक मामलों में हो या फिर सिविल मामलों में हो, सिविल मामलों के अंतर्गत बहुत सारे मैटर आते हैं, जैसे कि विवाह का मामला हो गया, उत्तराधिकार का मामला हो गया, या फिर कोई भी विवाद का मामला हो गया, किसी को गोद लेना है, तलाक का मामला हो गया, ये सब किस में आते हैं, ये सब आते हैं सिविल मैटर में आते हैं। तो बोला समान नागरिक संहिता की बात की जा रही, भाई सिविल कोड भी क्या होना चाहिए, सभी के लिए समान होना चाहिए। अभी क्या है, आपको हिंदू पर्सनल लॉ अलग देखने को मिलेगा, मुस्लिम पर्सनल लॉ अलग देखने को मिलेगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। तो देखिए इसमें बोला है समान नागरिक संहिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, चलिए विचार करके हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो देखिए ये बोलता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्रों में समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। तो देखिए आर्टिकल 44 में बोला गया है, तो ये वाला कथन सही है। ओके, चलिए हम लोग दूसरा देखते हैं, एक कथन, वर्तमान में गुजरात एक समान नागरिक संहिता वाला एकमात्र राज्य है। तो देखिए गुजरात नहीं है, भारत का एकमात्र राज्य है जिसने समान नागरिक संहिता है अपने राज्य में लागू करके रखी है, वो है गोवा, गुजरात नहीं है भाई। कौन सा है? गोवा आपको देखने को मिलेगा।
यानी कि ये वाला कथन क्या हो गया, गलत हो गया। अब देखिए हमारे लिए आंसर मिल गया। जैसे ही कथन गलत हमें मिल जाता है थोड़ा सा क्वेश्चन आसान हो जाता है। ओके, तो अपना बेसिक अप्रोच क्लियर करके रखिए, बहुत आसानी से आंसर निकल जाया करेंगे। तो देखिए आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर सही कथन का हमको चयन करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक कीवर्ड होते हैं जो आपको ध्यान रखने होते हैं कि भाई क्या पूछा है इसमें, डिमांड क्या कर रहा है। तो आपको ध्यान रखना है इसमें सही कथन पूछ रहा है, कभी कभार पूछ लेते हैं असत्य कथन और हम लोग क्या कर देते हैं आंसर गलत कर देते हैं। तो हमें सही कथन का चयन करना है। तो दूसरा वाला गलत हो गया, तो इस हिसाब से देखिए दूसरा वाला गलत होने की वजह से ऑप्शन अगर हम देखें तो ये वाला भी गलत हो गया, ये वाला भी गलत हो गया। ओके, लेकिन हमारा पहला वाला आंसर क्या था, सही था। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, हमारा राइट हो जाएगा। इतने हलवा तरीके से हमारे पास आंसर आ गया। चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए जो आपको 52वें नंबर का देखने को मिलेगा क्वेश्चन, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। तो इसमें बोल रहा है जो प्रस्तावना है, भारत के संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो हमारा फ्रेमवर्क है, हमारी जो उद्देश्य है उससे संबंधित विचार करने के लिए बोल रहा है। हमने कभी अपने ऊपर आज तक विचार किया नहीं, हम विचार क्या करें। हमारे जो हिंदी माध्यम के छात्र होते हैं वो बड़ी समस्या होती है, वो कभी आत्ममंथन नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं भेड़ चाल चलते हैं। अच्छा वो ऐसा कर रहे हैं तो मैं भी ऐसा करूंगा। आप लोगों के लिए आत्ममंथन करना चाहिए, ये भी बोल रहा है भाई कथनों पर विचार कीजिए, अपने ऊपर मंथन कीजिए थोड़ा सा। तो देखिए प्रस्तावना पर विचार करने के लिए कह रहा है, कुछ अपने ऊपर भी विचार कर लिया करिए आप लोग। तो चलिए हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो देखिए 52वें नंबर का क्वेश्चन है, वो बोल रहा है प्रस्तावना पर, जो प्रस्तावना के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला दिया रखा है संविधान सभा द्वारा शेष संविधान अधिनियमित करने से पूर्व प्रस्तावना को अधिनियमित किया गया। भाई देखिए पूर्व नहीं पश्चात किया गया, ये चीज आप लोगों के लिए ध्यान रखनी है। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और देखिए दूसरा ऑप्शन दिया रखा है प्रस्तावना 1946 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रारूपित एवं प्रस्तुत किए गए उद्देश्य संकल्प पर आधारित है। हाँ जी बिल्कुल भी सही आपको देखने को मिलेगा। देखिए प्रस्तावना है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देशिका प्रस्तुत की गई थी, उसी पर आधारित आपको देखने को मिलेगी। इसमें ज्यादा चेंजेस नहीं किए, उसको लगभग में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके उसी तरह से इसको एडॉप्ट कर लिया गया। ये कब नेहरू जी ने प्रस्तुत की थी, तो आपको देखने को मिलेगा 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी द्वारा एक प्रस्तुत की गई थी और इसके लिए अंगीकृत कर लिया गया था। देखिए यहाँ पर बोला गया है अधिनियमित, अधिनियमित का मतलब होता है, देखिए ध्यान रखिएगा, अधिनियमित का मतलब होता है इनएक्ट, अधिनियमित का मतलब होता है इनएक्ट। ओके, तो इनएक्ट नहीं किया गया था, लेकिन आपको देखने को मिलेगा जब जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को इसको संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किया, फिर संविधान सभा ने इस उद्देश्य संकल्प को अंगीकृत कर लिया था। कब अंगीकृत कर लिया था, इसके लिए अंगीकृत किया था 22 जनवरी 1947 को अंगीकृत कर लिया था। ओके, यानी कि अडॉप्ट तो कर लिया था लेकिन इनेक्ट नहीं किया था। इनेक्ट कब किया था, जब संविधान के सभी प्रावधानों को लागू कर दिया गया तब इसे अधिनियमित किया गया। अगर इस अधिनियमित की जगह पर अगर ऑप्शन दिया होता कि इसे संविधान के जो शेष प्रावधान थे उन्हें लागू करने से पूर्व अंगीकृत कर लिया गया तो ये ऑप्शन क्या हो जाता, सही हो जाता। लेकिन अंगीकृत की जगह पर यहाँ पर अधिनियमित पूछा गया, मतलब इनेक्ट पूछा गया। तो आपको ध्यान रखना है लागू बाद में हुई, अंगीकृत पहले ही हो गई। अंगीकृत क्या थी, पहले ही हो गई। अंगीकृत का मतलब होता है अडॉप्ट करना। आप लोगों के लिए ध्यान रखना है, कभी भी गलत नहीं करना। देखिए शब्दों का ही खेल है, पॉलिटिक क्या करती है शब्दों में ही खिला देती है। तो देखिए पहला वाला ऑप्शन गलत हो गया। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमसे पूछ क्या रहा है, भाई डिमांड क्या कर रहा है। इसमें डिमांड कर रहा है सही कथन का चयन करें। तो देखिए इसमें हमारा पहला वाला गलत हो गया था, तो ये वाला हमारा ऑप्शन गलत हो गया ऑटोमेटिकली। ओके, और साथ में आपको देखने को मिलेगा ये वाला भी ऑप्शन ऑटोमेटिकली क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि इसमें एक दिया रखा है। तो इस हिसाब से या तो ये वाला सही होगा या ये वाला सही होगा, लेकिन हमको पता है दूसरा वाला ऑप्शन क्या है, सही है। तो इस हिसाब से हमारा 52 का दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कितनी आसानी से आंसर निकल गया। चलिए इसीलिए कहते हैं अपना बेसिक अप्रोच क्लियर रखिए, रटना मना है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपना अगला क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 आपको देखने को मिलेगा, जिसमें बोला गया है जो दुर्लभ लोगों जो रोग होते हैं, मतलब बीमारियां होती हैं,
के लिए राष्ट्रीय नीति 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ओके, एक चीज ध्यान रखा करिए, सही है या गलत है। तो देखिए, इसमें पहला कथन दिया रखा है, यह स्पष्ट रूप से दुर्बल रोग होते हैं उनको परिभाषित करता है, तो नहीं, स्पष्ट रूप से नहीं करता है, ध्यान रखना है आपके लिए। तो ये कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जो राष्ट्रीय नीति 2021 है, दुर्लभ रोगों के लिए बनाई गई है, इसमें स्पष्ट रूप से दुर्लभ रोग कौन से होंगे उसको परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन उन्हें 3 श्रेणियों में बांटा गया है, लेकिन स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया, ये चीज आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको देखने को, तो ये वाला क्या हो गया, गलत हो गया। इसके अलावा दूसरा है, ये है स्वैच्छिक व्यक्तिगत योगदान एकत्र करने हेतु एक डिजिटल मंच स्थापित करने का प्रावधान करता है, तो ये से प्रावधान करता है, आपको देखने को मिलेगा। क्राउड फंडिंग सिस्टम की बात करता है ये क्राउड फंडिंग सिस्टम की बात करता है। मतलब इसने कहा है कि जो क्राउड होता है, मतलब जो लोग होते हैं, वो इसमें स्वैच्छिक रूप से योगदान कर सकते हैं और एक फंड का निर्माण किया जाएगा, और उस फंड से क्या कर सकते हैं, किसी की बीमारी का इलाज करा सकते हैं। ओके, तो ये चीज सही ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन है, वो बोलता है यह है आयुष्मान भारत योजना के तहत दुर्लभ रोगों के उपचार का प्रावधान करता है। नहीं भाई, आयुष्मान भारत योजना के तहत नहीं, बल्कि आपको देखने को मिलेगा कि इसमें उपचार का प्रावधान किया गया है, लेकिन राष्ट्रीय आयोग आज जो आरोग्य निधि है उसके तहत, राष्ट्रीय राष्ट्रीय आरोग्य राष्ट्रीय आरोग्य निधि के अंतर्गत जो अम्ब्रेला स्कीम चल रही है उसके अंतर्गत उपचार का प्रावधान किया गया है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी कि हमें क्या मिल गया, तीसरा वाला और पहला वाला गलत मिल गया, पहला और तीसरा क्या हो गया, गलत हो गया। चलिए हम लोग ऑप्शन का उत्तर का चयन करते, तो इसमें सही उत्तर के चयन पूछा है, तो पहला वाला और तीसरा वाला क्या है, गलत है। तो तीसरा वाला गलत होने की वजह से ए भी गलत हो जाएगा और ए भी गलत हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों में क्या आ रहा है, तीसरा तीसरा आ रहा है, और साथ में अभी हम लोग देखे थे कि पहला वाला भी गलत है, तो इस वजह से ये भी गलत हो जाएगा। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, केवल दो। ओके, तो ए वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और ये भी पूछा जा सकता है कि जो दुर्लभ रोग जो आपको राष्ट्रीय नीति देखने को मिलेगा, एक किस मंत्रालय के अंतर्गत चलाई जा रही है, तो आपको ध्यान रखना है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। मिनिस्ट्री का नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो चीज आप लोगों के लिए ध्यान रखनी है। ओके, चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 54 को हम लोग एक बार देखते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 54 है, वो क्या बोलता है, निम्न में से, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं जिससे आप लोगों के लिए पूरा क्वेश्चन देखें। देखिए, निम्न में से किस ऐतिहासिक मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह वर्णन किया था कि भारतीय संविधान मूल अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के मध्य संतुलन के आधार पर संस्थापित किया गया है। ओके, तो देखिए, जो हमारा भारतीय संविधान है वो मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, इनके मध्य में संतुलन के आधार पर स्थापित किया गया है। तो देखिए, ये आपको देखने को मिलेगा। चलिए हम लोग देखते हैं इसमें कौन कौन से मामले देखने को मिलेंगे। तो देखिए, पहला है जो चंबक्कम दोराई राजन बनाम मद्रास राज। देखिए, इसमें आपको देखने को मिलेगा कि 1951 में कहा गया था कि इसमें इसमें माना गया कि डीपीएसपी से हमेशा वरीयता दी जाएगी, डीपीएसपी से हमेशा वरीयता दी जाएगी फंडामेंटल राइट्स, यानी कि फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमेशा क्या रहेंगे भाई, उसके ऊपर हावी रहेंगे, तो फंडामेंटल राइट्स को इसमें ज्यादा वरीयता दी गई। यानी कि इसमें संतुलन की बात कहां की जा रही है, इसमें तो कह दिया गया कि फंडामेंटल राइट्स क्या है, वही ज्यादा प्रभावी है, तो इस वजह से ये वाला तो नहीं हो सकता, आपको देखने को मिलेगा, तो इसलिए क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। देखिए, बिनर्मा मील मामला आपको देखने को मिलेगा। देखिए, इस मामले में आपको देखने को मिलेगा, ये 1980 में पीएन भवक्ती के द्वारा दिया गया, पीएन सुप्रीम कोर्ट के इस वक्त जो मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे, पीएन भगवती थे, भगवती आपको देखने को मिलेंगे। ओके, तो इन्होंने ही यहाँ पर बिनर्मा मील्स मामले में ही कहा कि यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स हैं और साथ में डीपीएसपी हैं, इनमें सामंजस्य पाया जाता है, ये संतुलन पर आधारित हैं, ये एक दूसरे पर वरीयता नहीं रखते हैं, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और केशवानंद भारती मामला है, ये तो आप लोग जानते हैं, ये किस पर किसके संबंध में है, ये मूल ढांचे से संबंधित है, मूल
ढांचे से संबंधित है, इतनी बार आप लोग पढ़े थे, ओके। तो आप लोगों के लिए ये चीज ध्यान रखना है, तो इसका संबंध इससे आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें एक प्रावधान जरूर बोला गया था कि कुछ मौलिक अधिकार हैं, कुछ मौलिक अधिकार हैं वो क्या हो सकते हैं, आपको देखने को मिलेगा, डीपीएसपी के समतुल्य हो सकते हैं, उन पर वरीयता नहीं रखते। यानी कि कुछ मौलिक अधिकार हैं वो क्या है, डीपीएसपी से कम है। भाई कौन से? तो ऐसे ऐसे डीपीएसपी में जो अधिकार दिए रखे हैं, मतलब जिन प्रावधानों की बात की गई है, जिनमें समूह की बात की जाती हो। किसकी बात की जाती है? समूह। तो देखिए, इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता से ज्यादा सामूहिक उत्थान की बात की गई है। जब समूह की बात आती है, एक समाज की बात आती है, तो मौलिक अधिकार भी होंगे ना, वो भी कम किए जा सकते हैं, उन पर उनको वरीयता दी जा सकती है। तो देखिए, ये वाला भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और ऑप्शन तो हमको सही मिल ही गया है। और इसके अलावा मेनका गांधी बनाम भारत संघ में आपको पता है, इसमें आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 है, इसको बहुत ज्यादा विस्तारित किया गया था। जैसे कि विदेश यात्रा हो गया, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार हो गया, निद्रा का अधिकार हो गया, ये मतलब इसको बहुत ज्यादा एक्सपेंड किया गया था। आर्टिकल 21 को एक्सपेंड किया गया था। ये डीपीएसपी और जो मौलिक अधिकार है उनमें संतुलन की बात नहीं करता है, बल्कि आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 को विस्तारित किया गया था। समानता आर्टिकल 21 को सबसे ज्यादा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा व्याख्या करके विस्तारित किया गया। ओके, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि हमको क्या ढूंढना था, हमको ढूंढना था फंडामेंटल राइट्स और नीति निर्देशक तत्वों में के मध्य संतुलन के आधार पर कौन सा संस्थापित किया गया था, वो हमको देखना था, तो हमको मिल गया आंसर। चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जी सैप के बारे में। देखिए, सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें देखिए, पहला कथन दिया रखा है कि इसके तहत आरबीआई सरकार से सीधे प्रतिभूतियों का क्रय करेगा। नहीं भाई, सरकार से सीधे नहीं करेगा, ये गलत है, बल्कि आम लोगों से करेगा। देखिए, ऐसा क्यों किया गया, अभी कोरोना की वजह से हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो काफी मंद देखने को मिलेगी, लोगों के पास में, लोगों के हाथों में ज्यादा पैसा नहीं है। तो आरबीआई ने कहा कि हम जो सरकारी प्रतिभूतियां जो तुम लोगों के पास में उनका अधिग्रहण करेंगे। अधिग्रहण करने का मतलब क्या है, लोगों के पास जो लोग हैं उनके पास क्या है, सिक्योरिटी है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इस तरह से पेज पर क्या है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अब भाई, लोगों के लिए खर्चा करने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, लोगों के लिए खर्च करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, रुपए की आवश्यकता होती है। और इसी रुपए को जब वो अर्थव्यवस्था में ले जाकर के खर्च करेंगे, सिनेमा हॉल में जाकर के मूवी देखेंगे, जाकर के पर्यटन करेंगे, इसके अलावा आईफोन खरीदेंगे जाकर के, तभी तो अर्थव्यवस्था में पैसा आएगा, डिमांड होगी, तो फिर से रोजगार के अतिरिक्त अवसर उत्पन्न होंगे और उत्पादन होने की वजह से आपको देखने को मिलेगा हमारी जीडीपी है, हमारे देश का विकास है, वो होगा। लेकिन लोगों के पास में पैसा नहीं है, लोगों के पास में क्या है, प्रतिभूतियां रखी हुई है। ये तो आरबीआई ने क्या सोचा, बड़ी चालाक है आरबीआई। आरबीआई बोली कि भाई हम लोगों से क्या करेंगे, इन प्रतिभूतियों का अधिग्रहण कर लेंगे। क्या कर लेंगे, अधिग्रहण कर लेंगे। अधिग्रहण करने का मतलब क्या है कि हम इन प्रतिभूतियों को खरीद लेंगे और इस पैसे को हम लोगों को दे देंगे। अब हम क्या कहेंगे, भैया तुम्हारे पास 1 लाख की जो प्रतिभूति है वो हमको दे दो, पैसा ले लो। अब लोगों के पास जब पैसा आ जाता है तो पैसा रुकता नहीं है, खर्च होता है, घूमता है, फिरता है। क्योंकि जब कहते हैं, जब जेब गर्म होती है ना तो पैर भी नहीं टिकते। तो आरबीआई सोची चलो इनकी जेब गर्म कर देते हैं, बोले कि जो कागज पड़ा हुआ है ना तुम्हारे पास में, वो कागज हमको दे दो, पैसा तुम ले लो, फिर जाकर के खूब मौज करो जाकर के बाजार में जाकर के। तो उसने क्या कहा, उसने कहा कि भाई जो भी हम प्रतिभूतियां हैं उनका अधिग्रहण करेंगे। तो यही कार्यक्रम है जिससे हम कोरोना काल में जो हमारी अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा, मांग नहीं बढ़ रही है, ये मांग बढ़ने लगे, तो बहुत ही सिंपल चीज देखने को मिलेगी। तो पहला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा जी सैप केंद्र और राज्यों के लिए उधार की समग्र लागत को कम करने में सहायता करेगा। तो देखिए, इस समग्र लागत को कम करने में सहायता करेगा, क्योंकि देखिए ज्यादा से ज्यादा पैसा होगा वो अर्थव्यवस्था में होगा, तो आपको देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं बैंकों के पास में अतिरिक्त पैसा होगा, तो जो रिपो रेट है, और साथ में आपको देखने को मिलेगा सरकार जो ऋण लेगी, कहीं ना कहीं आप प्रत्यक्ष रूप से उसकी लागत कम होगी ना। अगर बैंक ज्यादा से ज्यादा डिमांड करेंगी तो देखिए कहीं ना कहीं जो रिपो रेट है और ये चीजें हैं इनकी दर ज्यादा जाएगी ना। तो अब इनके पास ऑलरेडी पैसा है, जब ऑलरेडी पैसा है तो आपको देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और राज्य सरकार के ऊपर जो उधार है, ऋण है, उसकी जो लागत है वो कम कहीं ना कहीं होगी, ये चीज आपको देखने को मिलेगी। ओके,
ये चीज आपको देखने को मिलेगी। और दूसरी तरफ से आप लोग देखेंगे कि जब सरकारी प्रतिभूतियों को आरबीआई खरीद लेगी तो गवर्नमेंट के लिए उसके ऊपर लाभांश या फिर जो ब्याज है वो नहीं देना पड़ेगा ना, तो कहीं ना कहीं भार कम ही हो रहा है ना उनके ऊपर, ये चीज आपको देखने को मिलेगी। तो इसके हिसाब से पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। तो इस हिसाब से ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, क्योंकि हमको क्या चुनना है, हमको सही उत्तर चुनना है। तो इस हिसाब से दूसरा सही है, तो ये वाला सही हो जाएगा, क्योंकि दूसरा सही होने की वजह से ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए अगला क्वेश्चन है 56 नंबर का क्वेश्चन है, वो बोलता है राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। भाई इस बार पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, ये पूछ रहा है। तो देखिए आपको देखने को मिलेगा कि पहला दिया रखा है राज्य लोक सेवा आयोग, जो पीसीएस होता है आपको देखने को मिलेगा उसकी बात कर रहा है। जैसे संघ लोक सेवा आयोग होता है, ऐसे ही राज्यों के भी अपने आयोग होते हैं जिनके द्वारा पीसीएस में चयन होता है। आप लोग पीसीएस अधिकारी एसडीएम बनते हैं जाकर, तो इसी से तो बनते हैं। तो देखिए इसमें आपको देखने को मिलेगा कि इसके सदस्यों को राज्य के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। यस, राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये ऑप्शन क्या है, सही है। लेकिन हमको चयन किसका करना है, हमको असत्य कथन का चयन करना है, मतलब जो कथन सही नहीं है उसका चयन करना है। लेकिन ये तो क्या है, सही है, तो इस हिसाब से ये वाला हमारा उत्तर नहीं होगा। अगला देखते हैं कि इसका सेवानिवृत्त जो जो सदस्य है वो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने के लिए आहर्त होता है, तो यह आहर्त होता है आपको देखने को मिलेगा। ये ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा सही है। ओके, ये ऑप्शन क्या है, सही है। ओके, तो इस हमको किसका चयन करना है, हमको असत का चयन करना है, तो इस वजह से ये भी उत्तर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये ऑप्शन सही है। देखिए आपको बता देते हैं यहाँ पर जो लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं वो उसी लोक सेवा आयोग, उसी राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष भी बन सकते हैं, या फिर दूसरे राज्यों के जो लोक सेवा आयोग होते हैं उनके सदस्य भी बन सकते हैं, उनके अध्यक्ष भी बन सकते हैं, और साथ में जो संघ लोक सेवा आयोग है उसका अध्यक्ष भी बन सकता है। और साथ में आपको देखने को मिलेगा कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के साथ में अध्यक्ष भी बन सकता है। ओके, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आयोग के अध्यक्ष और सदस्य को पेंशन भारत के संचित निधि पर भारित होती है। भाई ये भारत के संचित निधि पर भारित नहीं होती है, बल्कि आपको देखने को मिलेगा राज्य की संचित निधि पर भारित होती है। ये ऑप्शन क्या है, गलत है, और हमसे क्या पूछा है, गलत उत्तर का ही चयन हमको करना है, तो इस हिसाब से ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हमको क्या मिल गया, सही मिल गया। आगे वाला भी देख लेते हैं। सरकार को प्रस्तुत की गई अनुशंसाओं की प्रकृति केवल परामर्शकारी होती है, तो यस, इनके द्वारा जो सरकार को अनुशंसाएं दी जाती हैं वो सरकार के ऊपर बाध्यकारी नहीं होती है, इसलिए ये उत्तर क्या है, आपको सही देखने को मिलेगा। लेकिन हमको किसका चयन करना था, असत्य कथन का चयन करना था, तो इस वजह से ये गलत हो जाएगा। तो समझ गए आप लोग। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए 57 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए 57 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, तो वो कहता है निम्न प्रावधानों में से कौन से राज्यों के अनुसमर्थन के बिना संसद के विशेष बहुमत के द्वारा संशोधित किया जा सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया रखा है, विशेष बहुमत के द्वारा किया जा सकते हैं। तो देखिए इसमें पहला दिया रखा है आपको देखने को मिलेगा संसद में प्रक्रिया के नियम। तो देखिए संसद में प्रक्रिया के जो नियम होता है उसमें राज्य के अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन इसमें बोल रहा है विशेष बहुमत द्वारा, लेकिन ये तो साधारण बहुमत द्वारा होता है, मतलब सिंपल मेजोरिटी के माध्यम से होता है, इसीलिए क्या हो जाएगा, उत्तर गलत हो जाएगा। देखिए संसद में जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस चलता है, उस प्रोसेस की बात करता है, अगर उसमें कोई चेंजेस करना हो, बदलाव करना हो, तो संसद को क्या राज्य के अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी। भाई संसद का काम है, वो क्यों पूछेगा जाकर के जो राज्य की विधानसभा, उनके अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं होगी इसमें। लेकिन इसमें बदलाव करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं, संसद को साधारण बहुमत से वो प्रक्रिया में चेंजेस कर सकता है, एकदम आप लोगों को ध्यान रखना है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसके अलावा अगर मूल अधिकार की बात है, तो मूल अधिकार है तो उसके लिए आपको देखने को मिलेगा किसी भी मूल अधिकारों में अगर परिवर्तन करना हो, तो देखिए संविधान में परिवर्तन करना है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मूल अधिकारों में परिवर्तन करने के लिए राज्य के अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं होती, और इसे विशेष बहुमत से पारित होना अनिवार्य होता है, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
अगला देखते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अगर बदलाव करना हो तो इसके लिए भी राज्य के विधान मंडल होते हैं, उनकी अनुशंसा की आवश्यकता नहीं होती है, और इसे विशेष बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। तो ये भी ऑप्शन क्या है, सही है। इसके अलावा राष्ट्रपति का निर्वाचन और यहाँ पे देखिए निर्वाचन और निर्वाचन रीति, रीति का मतलब होता है प्रोसेस की बात की जा रही है। अगर इसमें बदलाव करना हो तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर संघ के आपको अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है। ओके, संघ के बिना नहीं किया जा सकता, इसमें पूछ रहे हैं उसके बिना। ओके, तो बिना नहीं किया जा सकता क्योंकि ये किससे संबंधित है, संघीय ढांचे से संबंधित है, संघीय ढांचे से संबंधित है। तो इस कारण ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधान मंडल होते हैं, उसके सदस्य भी भाग लेते हैं। अब उनके सदस्य भाग लेते हैं तो अगर इसमें हमको बदलाव करना हो तो राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी ना, लेकिन इसमें बोल रहा है अनुसमर्थन के बिना विशेष बहुमत से संशोधित किया जा सकता है, लेकिन ये संघीय ढांचे को प्रभावित करता है, और संघीय ढांचे को प्रभावित करने वाली चीजें होती हैं उनमें जब भी बदलाव किया जाता है तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता पड़ती है। तो क्या हो जाएगा, पहला और चौथा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन एक बार देख लेते हैं, पहला और चौथा ऑप्शन गलत है। तो चौथा इसमें भी दिया रखा है, इसमें भी दिया रखा है, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे, और पहला इसमें दिया रखा है तो ए भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारे पास ऑटोमेटिकली आंसर 2 और 3 मिल गया, और अभी हम लोग देखे थे आंसर 2 और 3 हमारे क्या है, सही है। ओके, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 58 बोलता है भारत और एक पड़ोसी देश, कोई भी देश हो सकता है, जैसे एक्स देश इसमें लिख दिया है, के बीच सीमा विवाद है, क्या है उनके बीच में सीमा विवाद है। यदि उस विवाद को भारत द्वारा अपने किसी भी क्षेत्र को सौंपे बिना हल किया जाना है तो यह संपन्न किया जा सकता है। मतलब इसमें बोला है कि एक सीमा विवाद है भारत और उसके किसी पड़ोसी देश के बीच में, और उसमें भारत को कोई भी क्षेत्र सौंपना नहीं है, तो सौंपे बिना हल करना है, तो इसके लिए वो कैसे संपन्न कर सकता है, मतलब इस प्रोसेस को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। तो देखिए इसमें दिया रखा है तो हमें सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें पहला दिया रखा है संसद के द्वारा साधारण बहुमत से विधि पारित करके। ओके, तो देखिए संसद में बहुमत जो वो विधि है वो पारित करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पर हमें किसी भी क्षेत्र को हमको देना ही नहीं है। अगर देना होता तो आपको देखने को मिलता 368 के तहत किया जाता, और 368 के तहत किया जाता तो साधारण बहुमत की बात ही नहीं आती है, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगा। ओके, इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा, ओके इधर चला गया थोड़ा सा, इधर चला गया। तो देखिए दूसरा ऑप्शन दिया रखा है, तो पहला क्या हो गया, गलत हो गया। किसी भी संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता के बिना एक कार्यकारी कार्यवाही के माध्यम से, देखिए ये सही आपको देखने को मिलेगा, एक कार्यकारी कार्यकारी जो प्रक्रिया होती है उसके माध्यम से ही यहाँ पर इस विवाद का सुलटाला किया जा सकता है, निपटारा किया जा सकता है, क्योंकि इसमें किसी भी क्षेत्र को सौंपने की बात नहीं है। अगर सौंपने की बात होती तो यहाँ पर संविधान संशोधन की आवश्यकता होती, तो इसीलिए ये आपको ऑप्शन ठीक देखने को मिलेगा। ओके, ये ऑप्शन हमें क्या देखने को मिलेगा, ठीक देखने को मिलेगा। देखिए यही आपको देखने को मिलेगा 1969 में सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या की थी, सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या की थी, और व्याख्या करके इन्होंने कहा था कि जो सीमा विवाद होते हैं तो सीमा विवाद के निपटारे के लिए सरकार को किसी भी प्रकार के संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। इसमें कहा था कि सीमा विवाद के लिए किसी भी प्रकार के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है, लेकिन एक चीज इसमें और बोली गई थी, इसमें बोला गया था कि अगर किसी क्षेत्र को सीमा विवाद के तहत किसी क्षेत्र को, किसी भारतीय क्षेत्र को किसी विदेशी राज्य को सौंपना है तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की आवश्यकता होगी, लेकिन अगर किसी क्षेत्र को सौंपना नहीं है, बस सीमा विवाद है उसका हल करना है, तब आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की आवश्यकता नहीं। लेकिन अगर किसी क्षेत्र को सौंपना हो, सीमा विवाद के अंतर्गत क्यों ना आता हो, तो भी इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की आवश्यकता होगी। ऐसा कब हुआ था, जब वेस्ट बंगाल में एक क्षेत्र था, उस क्षेत्र को भारत को वेस्ट बंगाल यानी कि पाकिस्तान को सौंपना था, तो
उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप किसी भी क्षेत्र को ऐसे सौंप नहीं सकते। तो इसके लिए जब वेस्ट बंगाल को एक क्षेत्र सौंपना था, तो वहां पर 9वें संविधान संशोधन 1960 में, 9वां संविधान संशोधन 1960 किया गया, और इसके माध्यम से पश्चिम बंगाल के लिए, जो उस समय क्या था, पाकिस्तान था, तो पाकिस्तान के लिए एक भाग को सौंपा गया था। और किसके अंतर्गत? आर्टिकल 368 के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया। समझ गए आप लोग? आपको सब कुछ बता दिया कि देखिए, अगर इसमें बोला था, स्टार्टिंग में ही इसमें क्या बोला था, इसमें स्टार्टिंग में ही बोला था कि भाई किसी भी क्षेत्र को सौंपना नहीं है, मतलब क्षेत्र को सौंपे बिना हल करना है, तो क्षेत्र को सौंपे बिना हल करना है तो संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं, बस एक कार्यकारी कार्यवाही जैसे होती है नॉर्मली, एग्जीक्यूटिव जो प्रोसेस होता है उसके माध्यम से ही किया जा सकता है। इसके अलावा देखिए, विशेष बहुमत द्वारा एक संवैधानिक संशोधन और राज्य विधानसभाओं में से आधे से अधिक की सहमति की आवश्यकता होगी, नहीं, अभी आपको बताए हैं, विशेष बहुमत द्वारा एक संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होगी, नहीं, अगर क्षेत्र सौंपना होता तब हमको संविधान संशोधन की आवश्यकता होती, तो इसलिए गलत हो गया। तो ऑप्शन कौन सा सही है? सिर्फ ऑप्शन बी नंबर आपको सही देखने को मिलेगा, बस एक कार्यकारी की एक आपको प्रक्रिया होगी, उसी से सीमा विवाद का निपटारा कर दिया जाएगा, क्योंकि इसमें किसी भी भूमि का हस्तांतरण नहीं करना है। अब हम लोग देखते हैं 59, क्वेश्चन नंबर 59 है, ये बोलता है निम्न में से मूल अधिकार राज्य और निजी दोनों व्यक्तियों के कार्यों के विरुद्ध व्यक्तियों को प्रदान किए गए हैं। तो देखिए, इसमें बोला गया है आर्टिकल 17, आर्टिकल 17 क्या कहता है, अस्पृश्यता का अंत। अब देखिए, इसमें बोला गया है जो राज्य और निजी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध प्रदान किए गए हैं। अब देखिए अस्पृश्यता का अंत, अब देखिए हम छुआछूत का व्यवहार करें आपसे, हम भले ही निजी व्यक्ति हैं तब भी हम आपसे छुआछूत जैसा व्यवहार नहीं कर सकते, अगर हम छुआछूत जैसा व्यवहार करेंगे तो आर्टिकल 17 का आपका हनन होगा, भले ही हम एक गवर्नमेंट नहीं है, एक हमारा राज्य नहीं है, हम भले ही कोई हम लोक अधिकारी नहीं है, फिर भी अगर हम आपसे ऐसा व्यवहार करते हैं कि आप ये निचली जाति से आते हैं, आप उठ करके हमारे साथ ऐसे नहीं खा सकते, हमारे साथ बैठ नहीं सकते, या फिर अलग तरह से व्यवहार करें, तो आपको देखने को मिलेगा आर्टिकल 17 है वहां पर भी लागू होता है। ओके, और साथ में आपको देखने को मिलेगा, देखिए आर्टिकल 23 और 24 है, ये शोषण के विरुद्ध दिए गए। अब देखिए, अगर कोई भी शोषण करे, चाहे वो निजी व्यक्ति करे या फिर राज्य करे, दोनों के विरुद्ध अधिकार प्राप्त होगा। ऐसा थोड़ी ना कि राज्य सिर्फ शोषण व्यक्ति का नहीं करेगा, लेकिन निजी व्यक्ति है वो जंजीरों में जकड़ करके रखेगा, तुमसे बंधुआ मजदूरी कराएगा, आपसे फोर्स लेबर कराएगा, आपके साथ में अभद्र व्यवहार करेगा, आपका दिन रात शोषण करेगा, आपसे बेगारी भी कराएगा, तब भी आप कुछ नहीं कर सकते, नहीं, आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर बालक श्रम और साथ में बालकों का भी संरक्षण की बात की गई, मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार निजी व्यक्ति हो या फिर राज्यों, दोनों के विरुद्ध दिया गया है। यानी कि इसके हिसाब से तीनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो इस अनुसार क्या हो जाएगा, आंसर डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए, अगला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन नंबर 60। देखिए क्वेश्चन नंबर 60 है, वो क्या बोलता है, ये बोलता है अनुच्छेद 19 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्टिकल 19 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत सहकारी समितियों के गठन का जो अधिकार है वो संविधान संशोधन के माध्यम से अंतः स्थापित किया गया। तो आपको देखने को मिलेगा ये उत्तर, मतलब ये कथन क्या है, सही है। एक संविधान संशोधन के माध्यम से सहकारी समिति बनाने का अधिकार दिया गया था, ये आपको देखने को मिलेगा आर्टिकल 19(1) के सी में, आपको देखने को मिलेगा एक पॉइंट यहाँ पर जोड़ा गया था, जिसमें कहा गया था भाई आप क्या कर सकते हैं, आप सहकारी समिति बना सकते हैं, जिसमें सम्मेलन है तो सम्मेलन में ही सहकारी समिति को जोड़ दिया गया, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा, इसके इसके अलावा देखिए, इसके अलावा देखने को मिलेगा दूसरा कथन है, वो बोलता है इस अनुच्छेद के तहत यह है अधिकार कानूनी व्यक्तियों जैसे कि कंपनी के लिए उपलब्ध नहीं है। तो आपको देखने को मिलेगा भाई ये जो कानूनी व्यक्ति होते हैं उनके लिए उपलब्ध नहीं देखने को मिलेगा। ये उत्तर क्या है, सही है, क्योंकि कोई भी कंपनी है, मतलब कानूनी व्यक्ति क्या होता है आपको बता देते हैं, आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। देखिए कानूनी व्यक्ति वे व्यक्ति होते हैं जैसे कोई निगम है, कोई कॉरपोरेशन है, उसको क्या बोलते हैं, कानूनी व्यक्ति बोलते हैं। तो कानूनी व्यक्ति
और साथ में आपको देखने को मिलेगा कोई विदेशी हो या फिर कोई अविभाजित हिंदू परिवार हो, उनके लिए यहाँ पर ये जो आर्टिकल 19 है वो प्रदान नहीं है। उनके लिए क्या है, ये आर्टिकल 19 प्रदान नहीं है, ये आपको देखने को मिलेगा। तो ये भी उत्तर क्या है, सही देखने को मिलेगा। ये भी उत्तर क्या है, सही देखने को मिलेगा। इस हिसाब से दोनों सही हैं, तो उत्तर नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 61। तो 61 कहता है जीएसटी के बारे में, तो वस्तु एवं सेवा कर परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। परिषद के बारे में पूछा है, काउंसिल के बारे में, जीएसटी काउंसिल उसके बारे में पूछा है। तो देखिए इसमें बोला है, यह है वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित मुद्दों पर अनुशंसाएं प्रस्तुत करता है। तो हाँ भाई, अनुशंसाएं प्रस्तुत करता है। तो करने के लिए अनुच्छेद 279A के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। तो देखिए आपको संवैधानिक निकाय देखने को मिलेगा, क्योंकि इसकी स्थापना 279A के तहत की गई है, तो ये संवैधानिक निकाय है। अगर किसी अधिनियम को पारित करके की गई होती तो एक वैधानिक निकाय होता है, या फिर सांवैधानिक, जिसको हम लोग बोल सकते हैं। देखिए तो ये वाला क्या हो गया, आंसर मतलब आंसर नहीं, कथन है, ये वाला सही हो गया। अगला कथन देखते हैं, परिषद के निर्णय को अपने कुल संख्या बल के आधे भाग द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। तो देखिए आपको देखने को मिलेगा कुल कुल संख्या बल के आधे भाग, देखिए आधे भाग से नहीं है, बल्कि आपको देखने को मिलेगा इसका जो अनुमोदन है वो आपको 75% लोगों के द्वारा होना चाहिए। 75% का मतलब है 3/4 आपको देखने को मिलेगा, मतलब 75% लोग हैं अगर वो यस कहेंगे तभी ए होगा। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें आधा बोला है, ओके हाफ बोला है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, ये बोलता है परिषद में प्रत्येक राज्य की जो मतदान हिस्सेदारी है वो उसकी जनसंख्या पर निर्भर करेगी। नहीं भाई, राज्य की जो मतदान की जो हिस्सेदारी है वो उसकी संख्या बल पर आधारित नहीं करेगी। मतलब ऐसा नहीं है कि जिस राज्य की जितनी जनसंख्या है उसके द्वारा जो वोट किया जाएगा वो उतना ही होगा। नहीं भाई, इस काउंसिल में सभी राज्यों को बराबर बराबर हिस्सा दिया गया है। बस इसमें जो विभाजन किया गया है केंद्र और राज्य के बीच में कहा गया है, ओके, केंद्र और राज्य के बीच में ये हिस्सेदारी का बंटवारा किया गया है। इसमें कहा गया है जो केंद्र है उसके पास में जो कुल मतदान की हिस्सेदारी है वो 1/3 होगी, अकेले इनके पास में होगी। और सभी राज्यों को मिला करके जो इनकी हिस्सेदारी होगी वो 2/3 आपको देखने को मिलेगी, 2/3 आपको देखने को मिलेगी। और इसमें प्रत्येक राज्य, चाहे वो आपको देखने को मिलेगा यूपी का, या फिर बिहार का, या फिर गोवा का, यानी कि छोटे से छोटे राज्य का, या फिर बड़े से बड़े राज्य का, सभी के द्वारा जो मतदान किया जाएगा वो क्या होगा, समान ही होगा। ये चीज आप लोगों के लिए ध्यान रखनी है, ये चीज आपके लिए ध्यान रखनी है, ओके। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये आपको देखने को मिलेगा। और देखिए जीएसटी है, ये जो जीएसटी है तो इसके लिए ये संवैधानिक निकाय बना, ये कौन सा संविधान संशोधन किया गया, बहुत बार पूछा गया है। तो आपको देखने को मिलेगा 101वां संविधान संशोधन किया गया था। तो 101वां संविधान संशोधन 2016 के द्वारा इसको स्थापित किया गया, ओके। तो ये चीजें, तो इस हिसाब से क्या हुआ, इस हिसाब से आपको देखने को मिलेगा ए वाला ऑप्शन और ए वाला ऑप्शन क्या है, गलत है। तो इस हिसाब से आंसर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आंसर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा 62वां, 62वां क्वेश्चन क्या बोलता है, भारतीय और ब्रिटिश राज्य व्यवस्था के मध्य अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए इसमें बोला है कि भारत और ब्रिटिश राज्य व्यवस्था है उनके बीच में अंतर जो है उस पर हम लोगों के लिए विचार करना, चलिए विचार करके देखते हैं। तो भारतीय व्यवस्था, जो भारतीय व्यवस्था है तो भारतीय व्यवस्था में संसद की संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है। तो देखिए हमारी जो संसद है वो संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है, जबकि ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च नहीं है। तो देखिए यहाँ पर ये गलत कथन कर दिया है, ये क्या कर दिया है, गलत कथन कर दिया है। ये आपको देखने को मिलेगा ब्रिटेन में जो संसद है वो सर्वोच्च नहीं है, लेकिन आपको देखने को मिलेगा ब्रिटेन की संसद है वो सर्वोच्च है। हम आपको पढ़ाते हुए बताए थे कि ब्रिटेन की जो संसद है वो दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो नहीं कर सकती, बस एक काम को छोड़ करके कि वो स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने के अलावा ऐसा कोई भी काम नहीं है जो उसके लिए असंभव हो, ओके। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा क्या रखा है,
भारत में मंत्री के विधिक उत्तरदायित्व की व्यवस्था प्रचलित नहीं है। तो यस आपको देखने को मिलेगा, विधिक उत्तरदायित्व की व्यवस्था प्रचलित नहीं है। यहाँ पर किसी भी मंत्री के द्वारा कोई भी प्रस्ताव आता है, ओके, तो उस पर मंत्री के हस्ताक्षर नहीं होते, बस राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं। ये चीज आपको देखने को मिलेगी। लेकिन ब्रिटेन में ऐसा प्रचलित है, हाँ ब्रिटेन में ऐसा प्रचलित है। तो वहां पर अगर कोई कोई भी नियम लाया जाता है, प्रस्ताव लाया जाता है, अगर वो किसी मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो उस मंत्री की भी हस्ताक्षर होते हैं ब्रिटेन की जो रानी होती है उसके साथ में। ओके, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। तो ये वाला उत्तर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस हिसाब से पहला वाला उत्तर क्या है, गलत है। तो ये वाला पहला गलत होने की वजह से ये वाला गलत हो जाएगा। इसमें भी पहला दिया रखा है तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। देखिए इसमें भी पहला दिया रखा है, लेकिन अभी हमने देखा कि उत्तर क्या है, दूसरा सही है। तो दूसरा इसमें दिया रखा है ना ही दो, तो इस वजह से ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ओके, तो इस हिसाब से आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर उत्तर भी क्या है, सही हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले उत्तर को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो हमसे पूछता है वो 63वें नंबर का है। वो कहता है कि नंबर एक यहाँ पर बोलता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति में निहित शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ओके, तो 359 के संदर्भ में पूछा गया है। तो देखिए 359 है, वो बोलता है कि वह किसी भी राज्य के लिए अध्यादेश को प्रख्यापित कर सकता है, नहीं कर सकता है, आप लोगों के लिए पता है। तो देखिए ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो पहला उत्तर क्या हो गया, मतलब पहला कथन क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा बोला है राष्ट्रपति को कुछ मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित करने का अधिकार है। यह आपको देखने को मिलेगा, वो कुछ मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित कर सकता है। देखिए मौलिक अधिकारों की यहाँ पर समाप्ति की बात नहीं की जा रही, उसके प्रवर्तन के निलंबन की बात की जा रही। प्रवर्तन का मतलब है कि उन्हें लागू करने से रोका जा रहा है, फंडामेंटल राइट है उनको नहीं समाप्त किया जा रहा, बल्कि उनके प्रवर्तन, यानी कि न्यायालय में व्यक्ति नहीं जा सकता, लेकिन फंडामेंटल राइट अभी भी उसको प्राप्त है, फंडामेंटल राइट्स है वो अभी भी उसको प्राप्त है। ये चीज आपको देखने को मिलेगी। ये कब किया गया, तो ये वाला ऑप्शन सही है। तो ये कब किया गया आपको देखने को मिलेगा, 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से ऐसा किया गया। और इसमें बोला गया कि आर्टिकल 20 और 21 हैं, इसे किसी भी परिस्थिति में समाप्त नहीं किया जा सकता। ओके, जैसे दैहिक स्वतंत्रता आर्टिकल 21, 20 क्या करता है, गिरफ्तारी में संरक्षण प्रदान करता है। तो व्यक्ति के लिए अपने संरक्षण की बात है, वो राष्ट्रीय आपातकाल में भी लागू रहेगी, आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो ये चीज है। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा, इस हिसाब से क्या है, दूसरा वाला सही है और पहला वाला क्या है, गलत आपको देखने को मिलेगा। और तीसरा वाला क्या है, वह केवल देश के कुछ हिस्सों में राष्ट्रीय आपातकाल का विस्तार कर सकता है, पूरे भारत में नहीं। अरे भाई, वो पूरे भारत में भी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा, नेशनल इमरजेंसी की घोषणा पूरे भारत में भी कर सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस हिसाब से तीसरा आंसर क्या है, गलत है, और पहला भी क्या है, गलत है। तो देखिए तीसरा इसमें दिया रखा है, इसमें दिया रखा है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। और इसमें पहला दिया रखा है तो इस वजह से ये भी गलत हो जाएगा। तो उत्तर कौन सा हो गया, ये वाला, बी वाला सही हो गया। कितने आसानी से उत्तर निकल जाते हैं, कितनी आसानी से उत्तर निकल जाते हैं। इसके अलावा देखिए आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29-30 के तहत प्रदत्त सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार हैं इनके संदर्भ में हमको विचार करना है। तो देखिए ये बोलता है अनुच्छेद 29 का दायरा सिर्फ अल्पसंख्यकों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें बहुसंख्यक भी शामिल हैं। तो आपको देखने को मिलेगा ये वाला क्या है, सही है, क्योंकि देखिए बहुसंख्यक शामिल क्यों है, देखिए वैसे तो ये अल्पसंख्यकों के लिए प्रदान किया गया है। किसके लिए, अल्पसंख्यकों के लिए प्रदान किया गया है, लेकिन आपको देखने को मिलेगा जो आर्टिकल 29 है वो कहता है अल्पसंख्यकों के साथ में अगर कोई भी नागरिक अनुभाग की बात करता है, मतलब एक इसमें शब्द जुड़ा हुआ है जिसकी वजह से बहुसंख्यक समाज भी इसमें आ जाता है। तो कौन सा, नागरिक, एक शब्द जुड़ा हुआ है, नागरिक, नागरिक के अनुभाग, के अनुभाग की बात करता है। तो देखिए कहीं कहीं पर जो बहुसंख्यक होते हैं, अगर उन्हें भी अपनी संस्कृति को प्रोटेक्ट करना हो, यानी कि वो, देखिए यहाँ पर बहुसंख्यक अल्पसंख्यक किन किन आधारों पर होते हैं, भाषाई आधार पर भी हो सकते हैं, संस्कृति के आधार पर भी हो सकते हैं। ओके, तो एक आधार पर देखा जाए कि जो लोग हैं वो क्या है, बहुसंख्यक है,
लेकिन उनकी भाषा क्या है, भाषा के आधार पर देखा जाए तो वहां पर वो अल्पसंख्यक है, मतलब कुछ समूह के द्वारा ही वो भाषा बोली जाती है। जैसे कि आपको एक एग्जांपल देते हैं, मानते हैं एक कोई स्टेट है, मानते हैं कोई स्टेट है, कोई भी एक्स स्टेट है, मतलब एक्स राज्य है। इस राज्य में मानते हैं कि कोई भी जाति, मान लेते हैं जैसे कि मान लेते हैं हिंदू, हिंदू भी मान हिंदू ही मान लेते हैं। इस सांस्कृतिक रूप से हिंदुओं को देखा जाए ये क्या है, बहुसंख्यक है, हिंदू क्या है, बहुसंख्यक है। लेकिन इसी राज्य में ये हिंदू ही लोग हैं, लेकिन इनमें से एक छोटा तबका है जो कोई ऐसी भाषा बोलता है जो यहाँ के और लोग नहीं बोलते हैं, भाषा के आधार पर वो अल्पसंख्यक है। देखिए संस्कृति के आधार पर माना जाएगा वो हिंदू है, लेकिन भाषा के आधार पर क्या है, वो भाषा के आधार पर अगर हम देखें तो वो क्या है, अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक है। तो बहुसंख्यक होने के बावजूद भी भाषा के आधार पर वो अल्पसंख्यक है, तो इस आधार पर उन्हें क्या कर दिया जाएगा, यहाँ पर संरक्षण दे दिया जाएगा। तो आप लोगों के लिए ध्यान रखना है, इस वजह से आप लोग कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें एक शब्द का उपयोग कर दिया गया, नागरिक के अनुभाग, नागरिक अनुभाग शब्द है, वही क्या करता है, अल्पसंख्यकों के अलावा बहुसंख्यक को भी इसमें शामिल कर लेता है। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, ये वाला उत्तर क्या हो जाएगा, मतलब कथन क्या हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा दूसरा कथन बोला है, अल्पसंख्यक शब्द को संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया। तो देखिए अल्पसंख्यक शब्द को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है, ये बात बिल्कुल भी सही है। ओके, तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, दोनों कथन सही हो जाएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, हमारा पहला दूसरा आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे आते हैं, देखते हैं राष्ट्रीय पेंशन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह योजना स्वैच्छिक आधार पर सभी भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है, तो आपको देखने को मिलेगा, सही बात है भाई, सभी भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा अनिवासी भारतीय भी इस योजना के पात्र हैं, तो आपको देखने को मिलेगा, अनिवासी जो भारतीय हैं, नॉन रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया जो देखने को मिलेंगे वो भी इसके पात्र देखने को मिलेंगे। तो इस हिसाब से आपको देखने को मिलेगा पहला और दूसरा क्या हो जाएगा, इसका आंसर सही हो जाएगा। तो 65 वाले का सी आंसर सही होगा, यानी कि पहला दूसरा दोनों कथन क्या है, सही आपको देखने को मिलेंगे। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, इसमें बोला है 42वें संविधान संशोधन के बारे में। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन कौन से शब्द हैं वो अंतः स्थापित किए गए हैं, मतलब कौन कौन से शब्दों को जोड़ा गया है वो पूछा है। तो समाजवादी शब्द है उसको जोड़ा गया, इसके अलावा पंथ निरपेक्ष शब्द है इसको भी जोड़ा गया। ओके, इसके अलावा एकता और गरिमा ये तो पहले से ही दिए रखे थे, तो ये वाला क्या हो जाएगा, इस वजह से गलत हो जाएगा क्योंकि इसे 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से नहीं जोड़ा गया। तो तीन शब्दों को जोड़ा गया था, तो एक तो था समाजवादी, दूसरा था पंथ निरपेक्ष और तीसरा था अखंडता, अखंडता इन तीन शब्दों के लिए जोड़ा गया था। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, हमारा तीसरा चौथा गलत है, तो तीसरा चौथा गलत है, तो इसमें देखिए चौथा दिया रखा है तो इसलिए ये वाला उत्तर गलत हो जाएगा। इसके अलावा इसमें देखिए तीसरा दिया रखा है तो ये भी उत्तर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और हमने अभी देखा कि पहला और दूसरा क्या है, सही है, तो इस हिसाब से सी वाला उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। ओके, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय वाचा कानूनी रूप से बाध्यकारी दस्तावेज, तो आपको देखने को मिलेगा यह एक बाध्यकारी दस्तावेज देखने को मिलेगा। ये 1948 में इसको अपनाया गया था, क्या किया गया था, अपनाया गया था। ओके, चलिए ये वाला उत्तर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, मतलब कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके अलावा दूसरा कथन दिया रखा है, आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकारों पर जो समिति की पर्यवेक्षी संस्था है, तो आपको देखने को मिलेगा, हाँ एक ही पर्यवेक्षी संस्था आपको देखने को मिलेगी। इस हिसाब से दोनों उत्तर क्या है, इसके दोनों कथन क्या है आपको सही देखने को मिलेंगे, तो इसका आंसर सी वाला हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, भारत में नागरिकता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो नागरिकता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए ये पूछा गया। तो भारत में राष्ट्रपति पद के लिए केवल जन्म के द्वारा नागरिकता प्राप्त व्यक्ति ही पात्र होगा, ना कि प्राकृतिक रूप से नागरिक, तो ये कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि जन्म के साथ में अगर कोई व्यक्ति जन्म से क्या है, नागरिक है भारत का, भारतीय नागरिक, या फिर वो प्राकृतिक रूप से भारत का नागरिक है, वो दोनों क्या बन सकते हैं, भारत के राष्ट्रपति बन सकते हैं। लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं, सॉरी यूएसए में ऐसा नहीं है, यूएसए में राष्ट्रपति वही बन सकता है जो कि जन्म से वहां का नागरिक है, प्राकृतिक रूप से जो नागरिक होंगे वो नहीं बन सकते। ओके, तो ये वाला कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा कथन दिया रखा है, संसद और राज्य विधानमंडलों की सदस्यता के लिए
चुनाव लड़ने हेतु भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है? तो देखिए अनिवार्य आपको देखने को मिलेगा, तो ये वाला क्या हो जाएगा, दूसरा वाला उत्तर सही हो जाएगा। तो पहला वाला होने की वजह से ये वाला क्या हो गया, गलत हो गया। इसकी वजह से इसमें भी पहला दिया रखा है तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। लेकिन दूसरा कथन क्या सही है, तो इस वजह से ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो उत्तर क्या हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। ओके चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 69वें नंबर का। वो बोलता है हमारे हमारे संविधान निर्माताओं ने नीति निर्देशक तत्वों को गैर न्यायोचित बनाया क्यों? ओके मतलब इसका मतलब है कि आप न्यायालय में जाकर के इन्हें लागू नहीं करा सकते। ओके डीपीएसपी की बात की जा रही है, डीपीएसपी की बात की जा रही है। ओके और ये बात कहाँ बोली है कि ये गैर न्यायोचित होंगे, ये आर्टिकल 37 बोलता है। कौन सा बोलता है, आर्टिकल 37 बोलता है। तो देखिए राज्य के पास अपर्याप्त वित्तीय साधन उपलब्ध थे, इस वजह से हमारे जो संविधान निर्माता थे वो चाहते थे कि हम अभी ऐसे कुछ निर्देश हैं जो सरकार के लिए दिए जाने आवश्यक हैं, लेकिन अभी बाध्यकारी नहीं बनाते क्योंकि अभी हमारा देश नया नया आजाद हुआ है, हमारे पास संसाधनों की कमी है। अगर अभी हम इन्हें रख देंगे तो संसाधन को सरकार के सामने बहुत सारे चैलेंजेस आ जाएंगे। तो ये ऑप्शन क्या है, ये आपको सही देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि देश की विविधता और पिछड़ेपन इसके क्रियान्वयन में बाधक हो सकते हैं। तो आपको देखने को मिलेगा कि हाँ स्टार्टिंग में ये बाधक हो सकते थे, ये चीज आपको देखने को मिलेगी। ओके इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि मूल अधिकारों को पहले से ही न्यायोचित बनाया गया और नीति निर्देशक तत्वों को न्यायोचित बनाना निरर्थक था। मतलब ये क्या था, मतलब निरर्थक था, मतलब संभव नहीं था या फिर गलत था। तो ये चीज तो आपको देखने को मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर नीति निर्देशक तत्वों को अगर अगर न्यायोचित बनाया जाता तो ये निरर्थक नहीं बल्कि सार्थक होता, सार्थक भूमिका निभाता, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स हैं और डीपीएसपी हैं ये एक दूसरे के विरोधी ना होकर के आपको देखने को मिलेंगे, एक दूसरे के सहयोगी हैं, एक तरह से एक दूसरे के पूरक देखने को मिलेंगे। ओके तो इस हिसाब से तीसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा और पहला दूसरा सही होगा। तो पहला दूसरा सही है तो ये वाला सही हो गया, इसमें तीसरा तीसरा देने की वजह से ये दोनों क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 70वें नंबर का। तो देखिए ये बोलता है अनुच्छेद 14 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अनुच्छेद 14 के बारे में पूछा है, तो भारतीय संविधान अनुच्छेद 14 के अंतर्गत केवल विधि के समक्ष समानता प्रदान करता है, विधियों का समान संरक्षण प्रदान नहीं करता है। भाई आर्टिकल 14 है वो दोनों प्रदान करता है। देखिए विधि के समक्ष समानता की समता की बात है, ये हमने कहाँ से लिया है, ये हम ब्रिटेन से लिए हैं और ये विशेषाधिकारों का निषेध करता है। वहीं हम विधियों के समान संरक्षण की बात है, ये हमने यूएसए से हमने लिया है। इसमें बोला गया कि समान के साथ हम समान व्यवहार करेंगे। ओके तो ये वाला क्या हो जाएगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा और हमको क्या करना है, सही कथन का चयन करना है। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि उच्चतम न्यायालय के अनुसार जहां समान और असमान के साथ अलग अलग व्यवहार होता है वहां पर अनुच्छेद 14 लागू नहीं होता। एकदम सही बात है भाई, उच्चतम न्यायालय की व्याख्या के अंतर्गत ऐसा बोला गया था, उच्चतम न्यायालय की व्याख्या के अंतर्गत ऐसा बोला गया। तो दूसरा सही है, पहला गलत है। तो पहला गलत होने की वजह से इसमें पहला दिया रखा है तो ये भी गलत है, इसमें पहला दिया रखा है तो ये भी गलत है। तो इस हिसाब से ये वाला सही हो जाएगा। ओके चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 71वें नंबर का। देखिए 71वें नंबर का है, वो बोलता है निम्न में से कौन से प्रावधानों को संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है? तो साधारण बहुमत के द्वारा कौन कौन से संशोधित किए जाते हैं वो पूछा गया है। तो देखिए इसमें आपको देखने को मिलेगा राज्यों का नए राज्यों का प्रवेश हो या फिर गठन हो, ये साधारण बहुमत के द्वारा किया जा सकता है। इसके अलावा राज्य भाषा का प्रयोग, इसको भी किया जा सकता है। संसद और राज्य विधान मंडलों के निर्वाचन, देखिए निर्वाचन से संबंधित है तो ये भी किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय के न्याय क्षेत्र को अगर बढ़ाना हो, मतलब उसको अधिक महत्व देना हो तो ये भी किया जा सकता है। यानी कि चारों के चारों ऑप्शन क्या हैं, सही हैं। तो इस हिसाब से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, आपको देखने को मिलेगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखा कितने सरल सरल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो समस्त नागरिकों को पूरे देश में नागरिकता के समान राजनीतिक और नागरिक अधिकार प्राप्त है, परंतु निम्न में से किस या किन मामलों में नागरिकों के साथ भेदभाव किया जा सकता है, मतलब किन मामलों में भेदभाव किया जा सकता है वो पूछा है। तो आपको पता है कि अगर हम नियोजन की बात आती है तो वहां पर किया जा सकता है। तो जब संसद राज्यों के भीतर रोजगार हेतु निवास को शर्त के रूप में आरोपित करता है तो यहाँ पर भेदभाव किया जा सकता है। तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर भेदभाव किया जा सकता है, एकदम सही बात आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा जब कोई राज्य अपने नागरिकों को संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को
आपराधिक अधिकारों के संदर्भ में विशेष लाभ देना चाहता है तो वो राज्य ऐसा कर सकता है। तो ये भी चीज आपको सही देखने को मिलेगी। किसी भी अनुसूचित जातियों के हित में, यानी कि अनुसूचित जाति जनजाति के हित में अगर कोई भी निर्णय लेना हो तो भी ऐसा भेदभाव किया जा सकता है। यानी कि इसके आंसर तो तीनों सही मिल गए, तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा 73वें नंबर है, ये आपको देखने को मिलेगा चिल्का झील से पूछ रहा है। तो चिल्का झील के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है पूछ रहा है। तो यह एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, तो यस आपको सबसे बड़ी खारे पानी की झील आपको चिल्का झील देखने को मिलेगी। इसके अलावा यह विश्व में गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन के सबसे बड़े पर्यावास स्थलों में से एक है, तो आपको देखने को मिलेगा नहीं, बल्कि ये जो गैंगेटिक डॉल्फिन है उसका नहीं देखने को मिलेगा, बल्कि इसके लिए आपको देखने को मिलेगा इरावदी डॉल्फिन है ओके, उसका ये सबसे बड़ा आपको निवास स्थान देखने को मिलेगा ओके। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा। तो उत्तर क्या है, सिर्फ एक ही सही है, तो इसमें देखिए दूसरा दिया रखा है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, तो ये वाला सही हो जाएगा। आप लोग बताइए किस नदी के मुहाने पर चिल्का नदी है, उस चिल्का झील है ओके, एक लैगून झील आपको देखने को मिलेगी ओके, खारे पानी की ओके। तो आप लोगों के लिए एक बार जरूर बताना है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74वां। तो 74वें नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या बोलता है, वो बोलता है राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में। तो राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, चलिए विचार करते हैं। तो देखिए इसमें पहला दिया रखा है, राष्ट्रीय आपातकाल की समाप्ति के लिए संसद की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। तो देखिए जो राष्ट्रीय आपातकाल है उसकी समाप्ति है, वो जो राष्ट्रपति है वो अपनी घोषणा को कभी भी वापस ले सकता है, इसमें संसद की आवश्यकता का है, तो आपको देखने को मिलेगा ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा ओके। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि राष्ट्रीय आपातकाल के संचालन के लिए अधिकतम समय अवधि है वो 3 वर्ष है। नहीं भाई, ये राष्ट्रपति शासन की बात की जा रही है, लेकिन अभी हम क्या देख रहे हैं, हम राष्ट्रीय आपातकाल देख रहे हैं। राष्ट्रीय आपातकाल है ये अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है, 6-6 माह करके जब तक चाहो तब तक राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी है वो लागू रह सकती है, लेकिन राष्ट्रपति शासन है प्रेसिडेंशियल रूल है, उसके लिए अधिकतम समय अवधि है वो 3 वर्ष देखने को मिलेगी। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा ओके। तो इस हिसाब से दोनों गलत हो गए। तो देखिए दोनों गलत होने की वजह से ये भी गलत, तो ये वाला सही है ओके। तो डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। तो देखिए क्वेश्चन नंबर वो 75 पे क्या बोलता है, ये बोलता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पर हमको सही नहीं खोजना है। तो देखिए इसमें उल्लेखित संविधान भारत के लोगों से शक्ति ग्रहण करता है, तो ऐसा बोला गया, तो ये क्या है, सही है, लेकिन हमको क्या चुनना है, असत्य कथन चुनना है। अगला देखते हैं, यह है संविधान के उद्देश्यों को निर्दिष्ट करता है, तो यस आपको देखने को मिलेगा संविधान के उद्देश्यों को निर्दिष्ट करता है। इसके अलावा यह है विधायिका के लिए शक्ति का स्रोत है, भाई शक्ति का स्रोत कहाँ है, कौन सी शक्ति देता है विधायिका के लिए, कोई शक्ति नहीं देता, बल्कि विधायिका के द्वारा किए गए कार्यों के लिए कार्यों हैं उनका अगर हमें मूल्यांकन करना हो तो उसका आधार जरूर प्रदान कर देता है। तो इसलिए ये ऑप्शन क्या है, गलत है, और हमको क्या चुनना था, असत्य कथन यानी कि नहीं कथन का ही चयन करना, तो सी वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और साथ में आपको देखने को मिलेगा जो प्रस्तावना में जो प्रावधान दिए रखे हैं वो न्यायालय में गैर न्यायिक है, तो आपको देखने को मिलेगा यार वो गैर न्यायिक आपको देखने को मिलेगा, तो ये भी सही है। सही होने की वजह से ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत है, क्योंकि हमको असत्य कथन का चयन करना था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 76वें नंबर का, 76 है वो बोलता है, 76 नंबर का बोलता है कि निम्न में से कौन से अध्यक्षात्मक व्यवस्था ओके, जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है उसके बारे में पूछ रहा है। भारत में प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं है, आपको यूएसए में देखने को मिलेगा अध्यक्षात्मक प्रणाली आपको देखने को मिलेगी। तो देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि व्यापक प्रतिनिधित्व पर आधारित है ना, ये व्यापक प्रतिनिधित्व पर आधारित नहीं आपको देखने को मिलेगा। कभी कभार ऐसा होता है कि जिसको ज्यादा वोट मिलते हैं जरूरी नहीं कि उसकी ही सरकार बने, इसमें जरूरी होता है किनकी सरकार ज्यादा राज्यों के अंदर है, तो यहाँ पर वोट से मतलब नहीं होता है, तो व्यापक प्रतिनिधित्व पर आधारित नहीं होता है। साथ में आपको देखने को मिलेगा एक स्थिर सरकार, देखिए स्थिर सरकार होती है इसमें कार्यकाल होता है वो आपको निश्चित देखने को मिलेगा, जैसे अगर एग्जाम्पल के लिए यूएसए की बात करें तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा 4 साल का कार्यकाल होता है राष्ट्रपतियों का,
और उनके कार्यकाल से पहले उन्हें ऐसे नहीं हटाया जा सकता। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा शक्तियों का पृथक्करण, तो देखिए जो शक्तियों का पृथक्करण है वो आपको देखने को मिलेगा। ओके, इसके अलावा उत्तरदायी जो सरकार होती है, तो उत्तरदायी सरकार की बात भैया होती नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो विधायिका होती है उसके प्रति सरकार जिम्मेदार नहीं होती, उसके प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, क्योंकि उसमें कांग्रेस में अगर बहुमत नहीं भी होता है यूएसए में, तब भी वो सरकार है वो अपनी सरकार चलाते रहते हैं, उनकी सरकार चलती रहेगी, जब उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा फिर उनको हटा दिया जाता है। ओके, तो इस हिसाब से देखिए कौन सा उत्तर सही होगा, तो 76 का दूसरा और तीसरा सही है, क्योंकि पहला गलत होने की वजह से ये वाला भी गलत हो जाएगा। साथ में आपको देखने को मिलेगा चौथा गलत है, तो चौथा गलत होने की वजह से देखिए सब में इन तीनों में क्या दिए रखे हैं, चौथे दिए रखे, तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। इस हिसाब से पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। ओके, तो देखिए कितने आसानी से निकल जाता है। चलिए हम लोग देखते हैं 77 नंबर का क्वेश्चन। ये बोला है पेरिस कॉल फॉर ट्रस्ट एंड सिक्योरिटी इन साइबर स्पेस के बारे में बात करता है, तो कौन से कथन है उन पर विचार करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, यह है साइबर स्पेस में सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए निजी क्षेत्रों के भागीदारों और नागरिक समाज के साथ सहयोग करने के लिए राज्य को प्रोत्साहित करता है, तो ये ऑप्शन आपको एकदम सही देखने को मिलेगा भाई, ये प्रोत्साहित करता है। ओके, इसके अलावा दूसरा ऑप्शन दिया रखा है भारत इस उद्घोषणा का एक पक्षकार है, ओके इस उद्घोषणा का पक्षकार है, तो ये पक्षकार नहीं देखने को मिलेगा। तो इस हिसाब से दूसरा गलत हो गया, तो ये वाला गलत हो गया, ये वाला गलत हो गया, पहला सही है तो ये वाला सही हो जाएगा, तो इसका आंसर कौन सा है, ये वाला सही हो जाएगा। ओके, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 78 नंबर का, तो 78 नंबर का कौन सा सही है, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा अनुच्छेद 22 के अंतर्गत निवारक निरोध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जो निवारक निरोध की बात कर रहे हैं उसके संदर्भ में हमको विचार करना है। तो देखिए यदि किसी व्यक्ति को निवारक निरोध के अंतर्गत हिरासत में लिया जाता है, तो उसके हिरासत में लिए जाने का कारण 24 घंटे के भीतर सूचित करना है। ना भाई, 24 घंटे के भीतर नहीं आपको देखने को मिलेगा, ये तो समान गिरफ्तारी होती है उसमें 24 घंटे का प्रावधान लागू होता है, इसमें 3 माह आपको देखने को मिलेगा, 3 माह तक उसे रखा जा सकता है। ओके, और उसके बाद अगर रखना है तो एक एडवाइजरी बोर्ड का गठन किया जाता है, फिर वो एडवाइजरी बोर्ड होता है वो बताता है कि भाई इस व्यक्ति को रखना है या नहीं रखना है। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा केवल संसद को निवारक निरोध पर विधि बनाने का अधिकार है, नहीं भाई केवल नहीं, केवल संसद को नहीं, संसद को यह अधिकार है कि निवारक निरोध पर अगर कोई भी कानून बनाना है, कोई भी विधि बनानी है तो वो बना सकता है। राज्य के अंदर भी लॉ एंड ऑर्डर है, अराजक तत्वों को संभालना है, तो राज्य की विधायिका को भी ये अधिकार देने होंगे ना, तो संसद के साथ में राज्य की जो विधान मंडल होती है, विधान मंडल है, उनको भी अधिकार देखने को मिलेगा। ओके, तो इस हिसाब से वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें बोला केवल संसद, केवल संसद में, संसद के साथ में राज्य की जो विधायिका है उनको भी अधिकार है, तो इस हिसाब से दूसरा वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो दूसरा वाला होने की वजह से भी गलत है, इसमें भी दूसरा, तो ये भी गलत हो गया, और साथ में पहला वाला सही है, तो इस वजह से ये भी क्या हो गया, गलत हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला हमारा सही हो जाएगा। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 79 का, तो देखिए जो 79 है वो क्या बोलता है, केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में, तो देखिए केंद्रीय सूचना आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 से अनाधिक सूचना आयुक्त होते हैं, तो देखिए ये जो अनाधिक सूचना आयुक्त होते हैं, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि ये सही है। ओके, इसके अलावा बोला है मुख्य सूचना आयुक्त है वो 5 वर्ष की समयावधि के लिए पद धारण करता है, तो देखिए पहले ये 5 वर्ष के लिए इसका जो मुख्य सूचना आयुक्त होता था, उसका अध्यक्ष होता था, वो पहले तो आपको देखने को मिलेगा कि वो 5 वर्ष के लिए ही नियुक्त किया जाता था, लेकिन आपको आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर एक अमेंडमेंट किया गया, सॉरी आईटी एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2019 लाया गया। ओके, तो इसके माध्यम से ये 5 वर्ष की जो समय अवधि थी इसको समाप्त कर दिया गया और बोला कि यहाँ पर जो इनकी अवधि होगी वो केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर होगी, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, मतलब केंद्र सरकार होगी, तो केंद्र सरकार पर ये निर्भर करेगा। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसी तरह से मुख्य आयुक्त का जो वेतन और भत्ते हैं वो चुनाव आयुक्त के समान होंगे, तो ये आपको देखने को मिलेगा, ये भी चेंज कर दिया गया,
आरटीआई अधिनियम, आरटीआई संशोधन अधिनियम 2019 के तहत कह दिया गया कि अब इनके वेतन भत्ते हैं वो मुख्य चुनाव आयुक्त के समान नहीं होंगे बल्कि ये केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर करेंगे। ओके, तो देखिए इस वजह से ये दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे और एक ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस वजह से इसमें दूसरा दिया रखा है, इसमें तीसरा दिया रखा है, इसमें तीसरा दिया रखा है, इस वजह से ये क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे और ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसी तरह से अनुच्छेद 368 के बारे में अगर हम बात करें, यानी कि संविधान संशोधन की बात कर रहा है, ये विधेयक प्रस्तुत किए जा सकते हैं, मतलब कहाँ कहाँ प्रस्तुत किए जा सकते हैं, लोकसभा, लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, यस। राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, यस। राज्य की विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, यस। क्यों यस, क्यों भाई, ये संविधान संशोधन की बात कर रहे हैं। संविधान संशोधन की अगर बात आ रही है तो संविधान में संशोधन है वो राज्य विधान, राज्य की विधानमंडल शुरू हो गया ना भाई ना। ओके, तो ये संसद का काम है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीसरा, तो तीसरा गलत होने की वजह से ये दोनों क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, और पहला दूसरा सही है। तो ये वाला है, इसमें सिर्फ एक दिया रखा है, लेकिन केवल एक नहीं है बल्कि दूसरा भी सही है, तो इस हिसाब से आंसर भी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ओके, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 81वें नंबर का क्वेश्चन, कौन से 81वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो 81वें नंबर का क्वेश्चन है, वो बोलता है वित्तीय आपातकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए वित्तीय आपातकाल फाइनेंशियल इमरजेंसी उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा को एक साधारण बहुमत से पारित किया जा सकता है, तो आपको देखने को मिलेगा ये वाला ऑप्शन क्या है, सही है भाई। ओके, वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा को दोनों सदनों के विशेष बहुमत से संसद द्वारा वापस किया जा सकता है, नहीं भाई, ये आपको देखने को मिलेगा। एक बार जब संसद के द्वारा इसका अनुमोदन कर दिया जाता है, जैसे राष्ट्रपति ने जब फाइनेंशियल इमरजेंसी है अगर उसकी घोषणा की, उसके बाद जब वो फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाती है तो राष्ट्रपति के वापस जब तक तक वो नहीं लेते तब तक वो लागू रहती है, तब तक लागू रहती है। इसमें वापस उपस लेने की बात भाई संसद वंसद के पास नहीं, बल्कि इसमें जब राष्ट्रपति चाहेगा तब उसको वापस ले लेगा। ओके, तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, दूसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और 1951 में जो वित्तीय संकट आया था के दौरान केवल एक बार जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है वित्तीय आपातकाल की घोषणा की गई, तो आपको देखने को मिलेगा वित्तीय आपातकाल की घोषणा अभी तक नहीं की गई है। ओके, इसमें आपको देखने को मिलेगा 1951 में वित्तीय संकट तो आया गया आया था, लेकिन फाइनेंशियल इमरजेंसी है उसकी घोषणा नहीं की गई, ये चीज आप लोगों के लिए ध्यान रखना है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस हिसाब से ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें दूसरा दिया रखा है इस वजह से गलत है, और इसमें तीसरा तीसरा दिया रखा है इसलिए गलत है, इसमें दूसरा दिया रखा है तो इस वजह से भी दो बार ही गलत हो गया भाई। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक सही आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 के ऊपर। तो 82 क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है, ये बोलता है भारत के संविधान में निर्वाचन आयोग के संदर्भ में, जो भाई निर्वाचन आयोग है उसके संदर्भ में प्रावधानों का उल्लेख किया गया है उसके बारे में हमको विचार करना है। तो देखिए इसमें बोलता है नंबर एक, यह है निर्वाचन आयोग के सदस्यों के लिए विधिक और प्रशासनिक प्रशासनिक अर्हता निर्धारित करता है। जो हमारा भारत का संविधान है वो क्या निर्वाचन आयोग के संदर्भ में ऐसा कुछ बताता है, तो आपको देखने को मिलेगा ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ओके, क्योंकि मतलब जो आयोग के जो सदस्य होंगे, अध्यक्ष होंगे, उनके बारे में अर्हता, अर्हता का मतलब क्या होता है, एलिजिबिलिटी, एलिजिबिलिटी के बारे में, उनकी योग्यताओं के बारे में नहीं बताता है। तो भाई ऐसा कहां बताया गया है, तो आपको देखने को मिलेगा जो ऐसा बताया गया है इसमें आर्टिकल आर्टिकल 324 है, वो जो पावर है वो संसद को देती है, ये पावर है मतलब ये शक्ति है, इसकी शक्ति किसको देती है, संसद को देती है। संसद से बोला गया कि भाई जो निर्वाचन आयोग के सदस्य हैं उनकी अर्हताएं क्या होंगी, उनका वेतन भत्ता क्या होगा, उनका कार्यकाल क्या होगा, ये सब तुम निर्धारित कर लो, क्या कर लो, ये सब तुम निर्धारित कर लो। तो इसके लिए संसद ने फिर निर्वाचन आयोग अधिनियम पारित किया, निर्वाचन निर्वाचन आयोग अधिनियम, आयोग अधिनियम एक्ट है 1991 में पारित किया। ओके, कब पारित किया, 1991 में पारित किया। ओके, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा इन सारी चीजों के बारे में बताया गया है। ओके, तो देखिए यहां पर आपको देखने को मिलेगा अर्हताएं हैं, ये हमारे संविधान में वर्णन नहीं किया गया है। ओके, तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसके अलावा यह है निर्दिष्ट करता है कि इसके सदस्य 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद धारण कर सकते हैं। तो देखिए आपको देखने को मिलेगा कि
जो इनके सदस्य होते हैं वो 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु, 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरी हो जाए, जो भी पहले हो जाए तब तक वो पद पर रहते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये बात संविधान नहीं बताता है। और इसमें क्या बोला गया है कि संविधान कौन कौन सी बातें बताता है, लेकिन ये संविधान नहीं बताता। ये कौन सा बताता है, अभी हम बताए थे 1951 में जो निर्वाचन आयोग अधिनियम लाया गया था उसमें ये बात बोली गई है। ओके, तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, इस वजह से क्या हो जाएगा, ये वाला उत्तर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये संविधान में नहीं बोला गया। भाई ये सेंटेंस तो आपको सही देखने को मिलेगा, देखिए इनके सदस्यों का कार्यकाल है वो 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष होगी, ये सही बात, लेकिन संविधान में नहीं बताया गया है। ये किसमें बताया गया है, ये अधिनियम में बताया गया, इस वजह से क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, यह है बोलता है कि यह सेवानिवृत्त हुए निर्वाचन आयुक्तों को भविष्य में सरकार के अधीन या किसी किसी नियुक्ति के लिए प्रतिबंधित करता है। तो भाई किसी भी प्रतिबंधित नहीं करता है, ये आपको देखने को मिलेगा। यहां तक कि हमारा संविधान है वो भी कहता है जब ये लोग रिटायर हो जाएंगे तो उसके बाद सरकार के अधीन भी कार्य कर सकते हैं, यहां तक कि राजनीति में भी आ सकते हैं। और ये अधिनियम में भी नहीं बताया गया, अधिनियम में भी जो निर्वाचन आयोग अधिनियम 1951 पारित किया गया है उसमें भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि जो इस सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर हो जाएंगे इस आयोग से, निर्वाचन आयोग से, तो वो अगर राजनीति करना चाहे तो राजनीति भी भाई कर सकते हैं, उसमें मना नहीं किया गया है, उसमें मना नहीं किया गया है ऐसी चीज। तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। इस हिसाब से क्या हो गया भाई, तीनों आंसर गलत हो गए। तो कोई दिया रखा है तो ये वाला दिया रखा है, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ये वाला आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 83 पे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्या बोलता है, अनुच्छेद 18 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 18 क्या है, उपाधियों के अंत की बात करता है कि राज्य है वो किसी को उपाधि नहीं देगा। तो चलिए देखते हैं, यह व्यक्तियों को महाराजा जैसे वंशानुगत उपाधि को अपनाने से प्रतिबंधित करता है। तो आपको देखने को मिलेगा प्रतिबंधित नहीं करता है। तो ये 83 नंबर का क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा भाई, उसको प्रतिबंधित नहीं करता है। देखिए ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है, जैसे कि जो वंशानुगत उपाधियां हैं उसे कोई हम प्राप्त करें, हम ग्रहण करना चाहें तो हम कर सकते हैं। जैसे हम अपना नाम रख लें, हमारा नाम है सम्राट आरजी सर, ओके, क्या नाम है, सम्राट आरजी सर, या फिर सम्राट राजनाम हमारा, या फिर महाराजा राजनाम है, तो आप लोग हमें क्या बोलेंगे, महाराजा राज सर बोलेंगे। महाराजा क्या, ये हमने खुद से लगा लिया भाई, हमने अपना नाम ही रख लिया, तो हमको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जो सरकार है, राज्य है, वो किसी को उपाधि नहीं देगा, क्या नहीं देगा, किसी को उपाधि नहीं दे सकता। नाम रखा जा सकता है, जैसे राजा, राजा हो गया, महाराजा हो गया, सम्राट हो गया, इस हिसाब से। जैसे ये जो उपाधियां होती हैं, ये उपाधियां राज्य के द्वारा किसी को नहीं दी जाएंगी, लेकिन नाम के रूप में रखी जा सकती है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा ऑप्शन। इसके अलावा दूसरा क्या बोलता है, कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, भारत का नागरिक नहीं है यानी कि वो क्या है, विदेशी है, भारतीय राज्य के अधीन लाभ का पद धारण किया हुआ है, तो करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता, लेकिन लेकिन राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उपलब्धि स्वीकार कर सकता है। देखिए आपको देखने को मिलेगा कि अगर कोई भी, ध्यान से सुनिएगा अभी देखिए, वरना आप क्या कर देंगे, ये क्वेश्चन जरूर गलत कर देंगे। देखिए पहला क्या है, गलत हो गया, अब दूसरा वाला गलत क्यों हो गया, देखिए अगर कोई भी विदेशी व्यक्ति है, अगर वो भारत में कोई लाभ का पद ग्रहण किया हुआ है या फिर कोई भी विश्वास का पद धारण किया हुआ है, तो वो व्यक्ति है, वो विदेशी राज्य से उपाधि और साथ में उपलब्धि, देखिए दो चीजें होती हैं, एक उपलब्धि होती है, दूसरी उपाधि होती है, ये दोनों ग्रहण नहीं कर सकता। लेकिन वो राष्ट्रपति से जाकर के पूछेगा तब वो ग्रहण कर सकता है, लेकिन इसमें बोला है वो कोई भी उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता। भाई उपाधि ग्रहण कर सकता है, ये क्या है, कोई भी उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता, कोई भी उपाधि, लेकिन उपाधि ग्रहण कर सकता है कब, राष्ट्रपति की पूर्व सूचना से वो उपलब्धि के साथ में, यहां पर बोला है उपलब्धि, लेकिन उपलब्धि के साथ में प्लस उपाधि भी ग्रहण कर सकता है। बस उसे क्या करना होगा, राष्ट्रपति से जाकर के पहले पूछना पड़ेगा, पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी कि मैं ये उपाधि या फिर उपलब्धि है मैं दूसरे किसी विदेशी राज्य से लेना चाहता हूँ,
क्या मैं ले सकता हूँ श्रीमान? तो राष्ट्रपति कहेंगे अरे बेटा कोई बात नहीं, ले लो जाकर के, दूसरे राज्य से ले लो, भारत का राज्य नहीं देगा तुमको, लेकिन आप दूसरे राज्यों से जाकर के, दूसरे देशों से जाकर के ले सकते हो, हमने तुमको अनुमति दे दी, खुश रहो, चंगा रहो, मस्त रहो। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। देखिए यहां तक ये जो सेंटेंस है, यहां तक जो ये सेंटेंस है ये बिल्कुल भी सही है, यहां तक क्या है बिल्कुल भी सही है, लेकिन यहां पर बोला है लेकिन राज्य की पूर्व सहमति से वो क्या कर सकता है, उपलब्धि स्वीकार कर सकता है। भाई केवल उपलब्धि नहीं, उपलब्धि के साथ में उपाधि भी स्वीकार कर सकता है अनुमति से, लेकिन बिना अनुमति से नहीं कर सकता, हमको देखने को मिलेगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इस हिसाब से क्या हो गया, दोनों ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। तो दोनों ऑप्शन गलत होने की वजह से डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, मतलब डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों गलत है, दोनों गलत है, तो इसमें ये वाला ऑप्शन क्या है, सही है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये आपको देखने को मिलेगा 84, ये बोलता है ये 1833 के चार्टर एक्ट में के कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई थी उसके बारे में। तो देखिए 83 का जो चार्टर एक्ट है उसमें मुंबई और मद्रास के गवर्नर को विधायी शक्तियों से वंचित कर दिया गया, तो आपको देखने को मिलेगा यस, उसको विधायी शक्तियों से वंचित कर दिया गया। इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक और प्रशासनिक कार्यों के लिए पृथक निकायों की, निकाय जो बॉडीज होती हैं उनका गठन किया गया। तो नहीं भाई, ये 1833 में नहीं किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। ये कब किया गया था, ये आपको देखने को मिलेगा पीट्स इंडिया एक्ट में, पीट्स इंडिया एक्ट जो 1719 कहाँ से आ गया, ओके ये अब मिटलेगा नहीं, पूरा ही मिटालना पड़ेगा, चलिए पूरा ही मिटाल देते। तो ये आपको देखने को मिलेगा, जो पहला वाला क्या है, पहला वाला आपको सही देखने को मिलेगा, दूसरा वाला ये गलत है। दूसरा वाला गलत क्यों है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी को प्रशासनिक कार्यों के लिए एक पृथक निकाय का गठन नहीं किया गया था, ऐसा किसमें किया गया था, ये पीट्स इंडिया एक्ट 1784 में किया गया, जो पीट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया था उसमें अलग अलग बॉडीज की स्थापना की गई थी, जिसे द्वैध शासन के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा तीसरा है सिविल सेवकों के चयन और भर्ती के लिए एक खुली प्रतियोगिता है, उसका शुभारंभ किया गया था। ना भाई, ये 1833 के चार्टर एक्ट में नहीं किया गया था, बल्कि आपको देखने को मिलेगा 1853 का चार्टर एक्ट था, 1853 का चार्टर एक्ट था, चार्टर एक्ट था, इसमें ऐसा किया गया था। तो इस वजह से क्या होगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो इस हिसाब से पहला सही है भाई सिर्फ, तो आपको देखने को मिलेगा कि इसमें दूसरा दिया रखा है, इसमें तीसरा दिया रखा है, इसमें दूसरा दिया रखा है, इसमें पहला दिया रखा है, तो इस वजह से क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, और इसमें भी तीसरा और दूसरा दिया रखा है तो इसलिए गलत हो जाएगा। तो पहला इकलौता सी बचता है, तो सी क्या हो जाएगा, इसका आंसर सही हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें दिया रखा है 85वें नंबर का, तो ये बोलता है विगत वर्षों में उच्चतम न्यायालय ने आर्टिकल 21 के अंतर्गत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण की व्यापक व्याख्या, इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से अधिकार आर्टिकल 21 में समाहित है। तो देखिए विदेश यात्रा आर्टिकल 21 में आपको देखने को मिलेगा, मेनका गांधी बनाम जो मामला आया था तो उसमें बोला गया था भाई विदेश यात्रा करो, पासपोर्ट अपने पास रखो, तो विदेश यात्रा भी कर सकते हो, एक गरिमा में जीवन जीने का अधिकार भी आपको देता है, और आप घूमने फिरने का भी आपको आजादी देता है, तो विदेश यात्रा शामिल है, प्रतिष्ठा है भाई वो भी शामिल है, भाई आपकी डिग्निटी है वो भी तो निर्धारित होनी चाहिए, साथ में सार्वजनिक रूप से फांसी के विरुद्ध, भाई आपने ऐसा किसी ने ऐसा गलत कर दिया कि उसको फांसी की सजा हुई, लेकिन सार्वजनिक ऐसा नहीं कि चौराहे पे लटका दो उसको फांसी दे दो, भाई फांसी की सजा है वो नियम कानून के तहत भाई उसको गुप्त रूप से दी जानी चाहिए। इसके अलावा हथकड़ी लगाने के विरुद्ध, तो ये भी आपको देखने को मिलेगा, भाई हथकड़ी नहीं, अगर आप शांतिपूर्ण रूप से आप जाना चाहते हैं, ऐसे पुलिस गिरफ्तार करनी है, जरूरी नहीं आपको रक्षा में बांध करके हथकड़ी लगा करके आपको खचेटती हुए पैदल ले जाए, नहीं, आपकी यहाँ पर गरिमा की बात आती है, अगर आप कहते हैं भाई हम शांति से चलते हैं, हम गाड़ी में बैठते हैं, आप हमें हथकड़ी नहीं लगाओ, आपको हथकड़ी नहीं लगाई जा सकती। तो आपको देखने को मिलेगा ये सब के सब सही है, तो देख लेते हैं इसमें ऑप्शन दिया रखा है, तो देखिए इसमें ऑप्शन दिया रखा है, इसका चौथा आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 86वें नंबर का क्या बोलता है। ये बोलता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो कोई पीड़ित व्यक्ति ही एक अधिकार परीक्षा रेट है वो जारी कर सकता है। नहीं भाई, पीड़ित व्यक्ति के अलावा अन्य व्यक्ति भी कर सकता है, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। किसी निजी व्यक्ति के विरुद्ध परमादेश जारी नहीं किया जा सकता है, तो आपको देखने को मिलेगा जो परमादेश होता है, परम का आदेश होता है, ये निजी व्यक्ति के लिए नहीं जारी किया जा सकता है, किसके लिए, लोक अधिकारी के लिए जारी किया जा सकता है, तो आपको देखने को मिलेगा ये वाला क्या हो जाएगा, सही आपको देखने को मिलेगा, ओके, क्योंकि ये कथन क्या है, सही है। इसके अलावा प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध भी उत्प्रेक्षा रेट है वो जारी किया जा सकता है, तो आपको देखने को मिलेगा। देखिए पहले उत्प्रेक्षा रेट होता है,
वो पहले जारी नहीं किया जा सकता है, पहले जारी नहीं किया जा सकता था, पहले न्यायिक और अर्ध न्यायिक निकाय थे उन्हीं के विरुद्ध जारी किया जाता था। लेकिन बाद में 1951 में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी व्याख्या में कहा कि उत्प्रेक्षा रेट है वो प्रशासनिक अधिकारियों पर भी लागू होगा। तो अब वर्तमान में आपको देखने को मिलेगा प्रशासनिक अधिकारियों के लिए भी जारी किया जा सकता है। इसीलिए क्या हो जाएगा, पहला पहला उत्तर क्या था, गलत था। पहला उत्तर क्या था, गलत था। तो इसमें पहला दिया रखा है, इसमें पहला दिया रखा है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। और अभी हम लोग देखे थे दूसरा और तीसरा सही था, तो आंसर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 87 में नंबर का। तो 87 में नंबर का क्या कहता है, यदि किसी राज्य का नाम परिवर्तित करने के संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो उस विधेयक को पारित करना होगा। किस प्रकार से पारित करना होगा, अगर नाम परिवर्तित करना है तो देखिए नाम अगर उसमें परिवर्तित करना है तो आपको देखने को मिलेगा साधारण के पूर्ण बहुमत द्वारा, नहीं भैया पूर्ण बहुमत की आवश्यकता नहीं है क्योंकि नाम में ही परिवर्तन करना है। इसके अलावा संसद के विशेष बहुमत और राज्य विधानमंडलों की संसद द्वारा, अरे नहीं भाई विशेष बहुमत की आवश्यकता ही नहीं है छोड़ दो। इसके अलावा संसद के साधारण बहुमत से, हाँ भाई साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है उसी से किया जा सकता है, सिंपल मेजोरिटी से किसी राज्य का नाम परिवर्तित किया जा सकता है। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा संसद के विशेष बहुमत से, नहीं भाई संसद के विशेष बहुमत से नहीं, किससे, साधारण बहुमत, सिंपल मेजोरिटी से ही नाम चेंज किया जा सकता है। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि आर्टिकल 88, ओके 88 क्या कहता है, आपको देखने को मिलेगा भारत में निम्न में से कौन सी संस्थाएं लोकपाल के दायरे में आती हैं, लोकपाल के दायरे में कौन कौन आता है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें देखने को मिलेगा नंबर एक, संसद में दिए गए बयानों से संबंधित मामलों के लिए मंत्री। देखिए जो मंत्री होता है, प्रधानमंत्री होता है, ये सब लोकपाल के अंतर्गत आते हैं संसद। लेकिन संसद के अंदर अगर वही मंत्री अगर कोई भी बात बोलता है उसके लिए लोकपाल है उसकी समीक्षा नहीं कर सकता, उसकी जांच वो नहीं कर सकता। तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी, वरना संसद में कोई खुल खुल के कौन बोल पाएगा, कोई नहीं बोल पाएगा। तो इस वजह से आपको देखने को मिलेगा ये वाला क्या हो गया, गलत हो गया कि मंत्री है उसकी उसके दायरे में, लोकपाल के दायरे में आता है लेकिन संसद के पटल पर जो भी वो बोलता है उसके द्वारा किसी भी प्रकार की बहस की जाती है, किसी भी प्रकार के तथ्य दिए जाते हैं वो उसके दायरे में नहीं आते। ओके, इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा सभी सरकारी सहायता प्राप्त संस्थान है वो इसके अंतर्गत आते हैं। तो आपको देखने को मिलेगा भाई सभी सभी हैं वो नहीं आते हैं, ओके सभी नहीं आते हैं, बल्कि आपको देखने को मिलेगा कुछ आते हैं, ओके सभी नहीं आते हैं, ये चीज आपको देखने को मिलेगा। तो कौन आते हैं, जो पूर्णतः पूर्णतः या फिर आंशिक रूप से वित्त पोषित होते हैं वो लोकपाल के दायरे में आते हैं लेकिन सभी सरकारी सहायता प्राप्त संस्थान नहीं आते हैं। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये भी आपको देखने को मिलेगा गलत हो जाएगा। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा विदेशी अभिदाय अधिनियम के तहत जो दान प्रदान करने वाली सभी जो इकाइयां होती हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं, तो आपको देखने को मिलेगा वो भी इसके अंतर्गत नहीं आती हैं। ओके, तो इसके इसके अनुसार क्या हो जाएगा, तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे, मतलब तीनों ऑप्शन गलत होने की वजह से आंसर जो डी होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, आंसर डी होगा वो सही हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर सोड़ सिंह समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कदमों पर विचार कीजिए। सोड़ सिंह समिति के सिफारिश के आधार पर भी फंडामेंटल ड्यूटी जो सोवियत संघ से प्रभावित होकर के हमने अपनाया था, तो फंडामेंटल ड्यूटी मूल कर्तव्यों को अपनाया गया। तो देखिए इसने कहा था कि इसने इस भुगतान करने के कर्तव्यों की मूल कर्तव्यों में अनुशंसा की थी। तो आप देखा वही इन्होंने कहा था कि टैक्स भी पे करना क्या होने चाहिए, फंडामेंटल ड्यूटी के अंतर्गत रखा जाना चाहिए, लेकिन इसको शामिल नहीं किया गया, लेकिन इसकी भी सिफारिश की थी। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा इसने मूल कर्तव्यों के गैर निष्पादन के लिए जुर्माना और दंड का भी सुझाव दिया था। अगर कोई अपने फंडामेंटल ड्यूटी का निर्वहन नहीं करता है तो उसके ऊपर जुर्माना भी लगाया जाए, तो ऐसा भी नहीं मानेगा, लेकिन अनुशंसा दी थी। तो आपको देखने को मिलेगा दोनों के दोनों सही हैं, तो इस वजह से सी वाला आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हम लोग 90 पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 90 कहता है कि भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 9वीं अनुसूची क्या कहती है, चलिए हम लोग देखते हैं। तो यह है,
संविधान के लागू होने के पश्चात जोड़ी जाने वाली प्रथम अनुसूची है, एकदम सही आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा इसे कृषि सुधारों से संबंधित विधियों को संरक्षण प्रदान करने और जमींदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए लागू किया जाना था, एकदम आपको सही देखने को मिलेगी। ये भी क्या है, सही है। इसके अलावा इस अनुसूची के तहत शामिल सभी विधियों को न्यायिक पुनरावलोकन जो जुडिशियल रिव्यू होता है से संरक्षण प्रदान, ना भाई सबको प्रदान नहीं है भाई। देखिए आपको स्टार्टिंग में बोला गया था कि नौवीं अनुसूची में जो भी मुद्दे डाल दिए जाएंगे उसका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता, मतलब क्या हुआ उसे न्यायालय के क्षेत्र अधिकार से बाहर कर दिया गया। ओके, यानी कि नौवीं अनुसूची में जो भी विषय रखे जाएंगे उनका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता। तो भाई ये चलता आया, लेकिन जब मूल ढांचे का सिद्धांत दिया गया, कब मूल ढांचे का सिद्धांत दिया गया, तब बोला गया कि भाई जो भी मूल ढांचे के अंतर्गत जो चीजें आएंगी वो कभी भी समाप्त नहीं की जा सकती है, और मूल ढांचे के अंतर्गत जुडिशियल रिव्यू भी आता है। तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर एक शब्द जोड़ दिया गया। देखिये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई सभी विधियों को यहाँ पर न्यायिक पुनरावलोकन से छूट नहीं है, क्योंकि न्यायिक पुनरावलोकन संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत आता है। तो इस वजह से इन्होंने कहा कि 24 अप्रैल 1973 के बाद, इस तारीख के बाद इसमें नौवीं अनुसूची में जो भी विषयों को जोड़ा गया है उनका न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। इस तारीख से पहले जितने विषयों को डाल दिया गया था उन विषयों का न्यायिक पुनरावलोकन है वो जो न्यायालय है वो नहीं करेगा, लेकिन इस तारीख के बाद जितने नए विषय जोड़े गए हैं तो उनका न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। ये तारीख क्या है, इस तारीख को ये बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय दिया गया था केशवानंद भारती, आप लोगों को याद होगा। ओके, कौन सा केशवानंद, अब देखिए इसमें बैक करने का ऑप्शन नहीं होता, एक्चुअली मिटाते तो पूरा का पूरा ही मिट जाता है। तो केशवानंद भारती बनाम आप लोग लिख लीजिएगा। ओके, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं। बोला गया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी विषय जोड़े गए और अगर वो विषय आर्टिकल 14, 15, 19 और 21 का उल्लंघन करते हैं तो उनका न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है। ये चीज आपको देखने को मिलेगी। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, इस हिसाब से आपको देखने को मिलेगा कौन कौन सा ऑप्शन हमारा सही गलत था। तो ये वाला क्या था, ये वाला सही था, दूसरा वाला सही था, तीसरा वाला क्या था, गलत था। ओके, तो देखिए इस हिसाब से हमारे तीसरा वाला इसमें दिया रखा, इसमें दिया रखा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, और पहला दूसरा क्या था, सही था, इस हिसाब से आंसर इज बी राइट हो जाएगा। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं 91 नंबर का। ये बोलता है मूल कर्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। तो इसमें बोला गया है कि मूल कर्तव्यों के संदर्भ में, फंडामेंटल ड्यूटी के संदर्भ में हमको बात करनी है। तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य भूतपूर्व सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित है, तो आपको देखने को मिलेगा। हाँ भाई, ये रशिया सोवियत संघ जो आपको देखने को मिलेगा उसके संविधान से प्रेरित देखने को मिलेगा। संविधान इन कर्तव्यों के प्रवर्तन के बारे में कुछ नहीं कहता, तो यस आपको देखने को मिलेगा, प्रवर्तन के बारे में कुछ नहीं कहता है। इसके अलावा जो अधिकारों का उपभोग कर्तव्यों के पालन पर निर्भर करता है, नहीं भाई भाई आप मूल कर्तव्यों का पालन नहीं करते फिर भी आपको देखने को मिलेगा कि आप अपने अधिकारों का उपभोग कर सकते हैं, तो ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीसरा क्या है, गलत है, तो तीसरा गलत होने की वजह से ये गलत हो जाएगा, और पहला दूसरा सही है। तो इसमें केवल केवल दिया रखा है, लेकिन हमको दोनों सही वाले ढूंढना है, तो ये वाला सही हो जाएगा। ओके, इस हिसाब से तो चलिए हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन के ऊपर। तो देखिए 92 नंबर का क्वेश्चन है, वो क्या बोलता है, 92 नंबर का क्वेश्चन है, वो बोलता है हाल ही में सुर्खियों में रहने वाले डूम्सडे ग्लेशियर है जिससे थ्वाइटिस ग्लेशियर के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए आपको देखने को मिलेगा जो अंटार्कटिका है, तो अंटार्कटिका में ही एक आपको एक बहुत बड़ा ग्लेशियर देखने को मिलेगा। माना जाता है कि ये 200 सालों से 700 सालों के बीच में पूर्णतः समुद्र में विलीन हो जाएगा, और समुद्र में जब ये पूरी तरह से विलीन हो जाएगा मतलब पिघल जाएगा, तो इसकी वजह से आधा मीटर समुद्र जल स्तर में वृद्धि हो जाएगी। सोचो समुद्र जल में आधा मीटर वृद्धि हो जाए, कितना बड़ा होगा। ओके, तो ये क्या हो गया, टूट करके अलग हो रहा है उससे, इस वजह से न्यूज में है, तो आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर है, ये अंटार्कटिका में आपको देखने को मिलेगा। ओके, अंटार्कटिका में देखने को मिलेगा, ना ही ये आर्कटिक ओशन में देखने को मिलेगा, ना ही आल्प्स में देखने को मिलेगा, ना ही हिमालय में देखने को मिलेगा, कहाँ पर देखने को मिलेगा, अंटार्कटिका में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
93 पे नंबर का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर अगला वह है, वो बोलता है संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो नेशनल इमरजेंसी की बात करता है, तो राष्ट्रीय आपात के संचालन को भारत के एक निर्दिष्ट भाग में सीमित कर सकता है, तो आपको देखने को मिलेगा हाँ वो सीमित कर सकता है भाई। इसके अलावा बोलता है राष्ट्रपति केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। नहीं भाई, केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर नहीं, बल्कि आपको देखने को मिलेगा कि पहले देखिए कब हुआ था ये, 1975 में इंदिरा गांधी थी, तो इंदिरा गांधी आप लोग जानते हैं भाई, इंदिरा गांधी क्या थी, थोड़ी सी उस वक्त गुमान में थी, तो उन्होंने क्या किया था, केवल व्यक्तिगत रूप से सिफारिश की और राष्ट्रपति से उन्होंने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करा दी, और मंत्री परिषद से उन्होंने पूछा ही नहीं, बाद में इसकी सूचना दी, मंत्री परिषद को बाद में सूचना दी, मंत्रिमंडल को बाद में पता चला इसके बारे में। तो आपको देखने को मिलेगा कि भाई ऐसा ना हो, तो इसके लिए फिर बाद में 44 में संविधान संशोधन, 44 में संविधान संशोधन 1978 किया गया, और इसके तहत ये प्रावधान करा गया कि जो मंत्रिमंडल होता है, मंत्रिमंडल होता है, इसकी लिखित 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 सूचना के आधार पर ही आपको देखने को मिलेगा कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, दूसरा वाला गलत हो जाएगा। तो इस हिसाब से देखिए, दूसरा वाला ऑप्शन गलत होने की वजह से इसमें दूसरा दिया रखा है, इसमें दूसरा दिया रखा है, ये दोनों गलत हो गए, और केवल एक क्या है सही है, तो इस वजह से ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक है वो बोल रहा है ना, तो हमें तो ढूंढना था केवल एक सही है, तो एक सही हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे आगे क्वेश्चन देखते हैं, 94 नंबर का, 94 नंबर का है वो क्या बोलता है, वो बोलता है वित्तीय आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये बोलता है भारत का संविधान वित्तीय आयोग की संरचना का उपबंध करता है, तो देखिए आपको देखने को मिलेगा उसका उपबंध करता है। देखिए जो वित्तीय आयोग होता है, इसमें एक अध्यक्ष प्लस चार अन्य सदस्य होते हैं, चार अन्य सदस्य आपको देखने को मिलेंगे जो प्रेसिडेंट्स के द्वारा मतलब राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ओके, उनके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ये किसी को कॉल आ रहा है पता नहीं। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को इसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, तो आपको देखने को मिलेगा यस, उसको नियुक्त किया जा सकता है। इसके अलावा कोई भी जो जिसके जिसके पास में जैसे कोई विधायिका, कार्यपालिका या फिर न्यायपालिका से संबंधित जो व्यक्ति हैं, उन सभी को यहाँ पर नियुक्त किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर जिस व्यक्ति को लोक कार्य होते हैं, तो लोक कार्यों का अनुभव हो, लोक कार्यों का अनुभव हो, उस व्यक्ति को यहाँ पर इसका अध्यक्ष है वो नियुक्त किया जा सकता है। तो लोक कार्यों का अनुभव है तो विधायिका के जो सदस्य होते हैं उनको भी होता है, कार्यपालिका के सदस्य होते हैं उनको भी होता है, न्यायपालिका के सदस्य होते हैं उनको भी होता है, तो किसी को भी इसका अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है, ये चीज आपको देखने को मिलेगी। तो ये वाला क्या है सही है, ये वाला भी क्या है सही आपको देखने को मिलेगा। इसकी सिफारिश केवल सलाहकारी होती है प्रकृति की, यानी कि तीनों क्या हो जाएंगे इसके सही हो जाएंगे, तीनों क्या हो जाएंगे इसके सही हो जाएंगे। इसके अलावा चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है वो ओसीआई के बारे में बोलता है, ओसीआई जो कार्ड होल्डर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए हम विचार कर लेते हैं, इसमें देखिए दिया रखा है कि ओसीआई कार्ड भारत के दीर्घकालीन वीजा मुक्त यात्रा प्रवास प्रदान करते हैं, तो आपको देखने को मिलेगा यस। इसके अलावा जो ओसीआई कार्ड धारक हैं वो अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षाओं में जैसे जेईई नीट्स है इनमें भाग ले सकते हैं, उनके पात्र होते हैं, यस पात्र होते हैं। इसके अलावा ओसीआई कार्ड धारकों को 20 वर्ष की आयु में केवल एक बार जो दस्तावेज होता है उसको रिव्यू कराना होता है, यस ये भी आपको एकदम सही देखने को मिलेगा। इस हिसाब से तीनों आंसर क्या हो जाएंगे सही हो जाएंगे। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है वो चलिए हम लोग देखते हैं, निम्न में से कि किस देश की सीमा है वो काला सागर यानी कि ब्लैक सी से नहीं लगती है, मतलब स्पर्श नहीं करती है, तो आपको देखने को मिलेगा तुर्की है उससे भी लगती है, जॉर्जिया है उससे भी लगती है, इसके अलावा रोमानिया से लगती है, लेकिन आपको देखने को मिलेगा इससे नहीं लगती है, और नहीं ही हमको खोजना था, तो इस हिसाब से हमारा अर्मेनिया है वो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। और अन्य भी देख लीजिए कौन कौन सी नहीं लगती है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रायः सुर्खियों में रहने वाला रिटेल डायरेक्ट सुविधा प्रदान करता है वो किसको करता है, तो आपको देखने को मिलेगा खुदरा निवेशक को सीधे आरबीआई से सरकारी प्रतिभूतियां खरीदने में, तो इसका ये वाला आपको एकदम सही देखने को मिलेगा। ओके, इसके अलावा देखिए बार बार फोन आ रहा है इस वजह से हम
यहाँ पर जल्दी से दोनों क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसके अलावा देखिए, एक राज्य में अध्यारोपित राष्ट्रपति शासन के परिणामों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो आपको देखने को मिलेगा जो 98 है, राज्य की कार्यपालिका को बर्खास्त करा जा सकता है, तो आपको देखने को मिलेगा ये सही है। राष्ट्रपति राज्य हेतु विधियों का निर्माण है वो करता है, तो आपको देखने को मिलेगा ये गलत है। तो इसका क्या है, आपको सिर्फ एक है वो सही देखने को मिलेगा, 99 है, वो बोलता है क्षेत्रीय परिषदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो क्षेत्रीय परिषद है वो बोलता है क्षेत्रीय परिषद संसद के एक अधिनियम द्वारा गठित एक संवैधानिक निकाय है, तो आपको देखने को मिलेगा एक संवैधानिक निकाय आपको देखने को मिलेगा। ओके, इसके अलावा दूसरा है कि किसी संघ संघ क्षेत्रों के लिए संयुक्त रूप से एक पृथक क्षेत्रीय निकाय होती है, तो नहीं, ये गलत है, तो इस वजह से ये वाला हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके अलावा 100वां क्वेश्चन है, वो बोलता है कि भारतीय संविधान के एक भाग के रूप में प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ये वाला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए करना है। ओके, आप लोगों को बताना है, एक क्वेश्चन सिर्फ आप लोगों के लिए छोड़ते हैं। चलिए इस वीडियो को यहाँ पर ही फिनिश करते हैं, अभी हमें देखिए थोड़ा सा काम है, बार बार कॉल आ रहा है, इस वजह से हमको एक बार देखना पड़ेगा। ओके।